गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर क्या हाल चाल है क्या हाल चाल है इज एवरीबडी हेयर एम आई लाइव एम आई ऑडिबल एम आई विजिबल क्या आप मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं यस yes? यस yes? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ओके आई एम यस आई एम लाइव आई एम लाइव आज बच्चों हैप्पी न्यू ईयर अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड आज के दिन भी मैम ने क्लास रख ली यस yes, जानबूझकर आज भी मैम ने क्लास रख ली है क्योंकि क्योंकि साल के पहले ही दिन तुम आई I मीन mean, मैंने तुम्हें कल भी बोला था इट डज़ नॉट मैटर वेदर इट इज़ द लास्ट डे ऑफ द ईयर इट डज़ नॉट मैटर वेदर इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर क्योंकि भाई पहला दिन है जी न्यू ईयर है तो छुट्टी कर लेंगे हम पढ़ेंगे नहीं ये किस तरह का एटीट्यूड है ये किस तरह का एटीट्यूड है क्या वो बच्चा जो यू uh, नो you know, अपने मनपसंद मेडिकल कॉलेज में पहुंच रहा है उसने ऐसा सोचा होगा नहीं तो हम भी ऐसा नहीं सोचेंगे स्ट्रगल करना पड़ेगा सक्सेस अगर चाहिए तो स्ट्रगल करना पड़ता है सेक्रीफाइस करना पड़ता है नहीं तो कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है हाँ जी बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर कहाँ रह गए <coughs> मुझे लग रहा था कि तुम ये नौटंकी करोगे आज है ना मैम हम तो ना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं जो जो इस चीज़ में पढ़ा हुआ है ना कि मैम हम तो न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं कोई बात नहीं बच्चे आप ना पूरा साल फिर यही करते रह जाओगे यू विल नॉट बी एबल टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर इन योर मेडिकल कॉलेज कॉलेज ड्रीम मेडिकल कॉलेज ठीक है जी है ना तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ठीक है मैं मानती हूँ कि थोड़ा बहुत किस्मत का भी रोल होता है मैं ये नहीं बोलूँगी कभी भी कि नहीं जी किस्मत नहीं होती किस्मत तो भी होती है बच्चे लेकिन किस्मत का किस्मत को क्या कहते हैं धराशाही करने का सिर्फ एक ही एक ही तरीका है और वो है मेहनत और मेहनत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आज जी न्यू ईयर आ गया तो हम नहीं पढ़ेंगे आज जी दिवाली आ तो हम नहीं यू हैव टू कंसिस्टेंट जितना consistent किस्मत भी तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी सो यस आई बिलीव कि किस्मत का रोल भी होता है लेकिन बच्चों किस्मत को भी झुकाने वाला क्या होता है हार्डवर्क होता है कंसिस्टेंसी होती है और वही वही हम आज ये क्या हो गया मतलब मैं इतना अच्छा एक डायलॉग तुम्हारे सामने बोल रही थी और मेरा ए का <laughs> रोको एक मिनट ये क्या हो गया इसको इट्स नॉट इवन शोइंग चलो भैया एक सेकेंड <laughs> भाई ऐसे तो हम नहीं रह पाएंगे यहाँ पे ये गया ये तो गया आज का सेशन तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है चलो कोई बात नहीं देखते हैं इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट क्योंकि बच्चे बॉम्बे में है गर्मी है ना बॉम्बे में है गर्मी काफ़ी गर्मी अच्छा चलो एनीवे anyway. देखते हैं आज गर्मी में ही मैम पढ़ाएंगी कोई बात नहीं आज मैम गर्मी में ही पढ़ा लेंगी तुम्हारे लिए ये भी सही तुम्हारे लिए ये भी सही हाँ जी तो मैं बोल रही थी कि बच्चों किस्मत का रोल होता है बिल्कुल होता है कभी भी मैं ये नहीं बोलूँगी तुम्हें कि किस्मत नहीं होती होती है किस्मत होती है बिल्कुल देर आर किड्स जिनके पास रिसोर्स हैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं है ना तो उसको कैसे तोड़ेंगे उसको कैसे झुकाएंगे हार्डवर्क से कंसिस्टेंसी से ही झुका सकते हो और कोई चारा नहीं है ठीक है जी और कोई चारा नहीं है एंड एक और बात मैं तुम्हें बता दूं मैंने तुम्हें अभी कुछ दिन पहले बोला था ना कि हमारा ये 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 हमारा यू uh, नो you know, इस इस हफ्ते का या इस अगले चार पांच दिन का ये हमारा टारगेट है तो आज वो टारगेट भी पूरा होने वाला है आज वो टारगेट भी पूरा होने वाला है तो आई एम वेरी हैप्पी वेरी वेरी हैप्पी हाँ जी बताइए सेवन डे ऑफ आस्किंग द डक वीडियो अरे यार मुझे डालना ही पड़ेगा डालना ही पड़ेगा हाँ <coughs> यार तुम तो मुझे ऐसे दिखा रहे हो कि ये मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी आज सेशन रख के मतलब तुम आई थिंक यू गाइज ऑल्सो हैव द सेम मेंटेलिटी कि नहीं जी पहली तारीख को पढ़ेंगे ही नहीं बच्चों इतनी गंदी मेंटेलिटी है ना ये बहुत गंदी मेंटेलिटी है कि एक तारीख का तो पढ़ेंगे नहीं कल इतना ज्यादा तुम अच्छे आ, मूड में आए थे और आज देखो बिल्कुल बिल्कुल तुमने ख़त्म कर दिया तो मतलब एक एक टीचर जो बहुत ही सोच के आया आज मैं भी क्या कर सकती थी छुट्टी ले सकती थी मैं भी छुट्टी लेके आराम से बैठ जाती और बोलती कि नहीं नहीं जी आज तो न्यू ईयर है रहने देते हैं क्लास लगाना बट आई एम ट्राइंग टू टीच यू समथिंग हियर कि नहीं भाई एक दिन भी पहला दिन भी है तभी पढ़ना है बट तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं है इस चीज़ का चलो जो बच्चा आया है दैट इज़ द बच्चा जिसको उसका कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा ये मैं गारंटी दे रही हूँ तुम्हें लेकिन जो बच्चा ये सोच के बैठा अरे कोई बात नहीं एक तारीख को कौन पड़ेगा बच्चे उसके लिए तो ना उसके लिए तो जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है क्योंकि ये जो टाइम अभी तुम्हारा पड़ है ना चार पांच महीने ये तो बहुत मुश्किल है ही बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन मेडिकल कॉलेज में जाके तुम्हें पता है इससे दुगनी ती, तीन गुना चार गुना मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे जैसे तुम्हें हम स्पून फीडिंग कर देते ना ये चीज़ ऐसी वहाँ कोई तुम्हें समझाएगा नहीं यू विल हैव टू मेक योर ओन नोट्स यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट योर सेल्फ टीचर आएगा प्रोफेसर्स आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं और तुम उनसे कुछ पूछ भी नहीं सकते हो तब पता चलेगा तुम्हें येस yes, तब पता चलेगा तुम्हें हाँ जी <coughs> और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड जो बच्चे नहीं आए ना उन्होंने इतना बड़ा अपना वो क्या बोल मैं गलती कर रहे हैं ना वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड इन दोज किड्स यस लेकिन जो बच्चे आए हैं उनके लिए हम शुरू करेंगे आज स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एनसीआरटी बेस्ड लेक्चर होने वाला है हम इसमें पीवाई भी करेंगे और डीपीपी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी दैट इज डॉक्टर गार्गी सिंह हाँ जी जी और बच्चों कल आपका होगा प्रैक्टिस सेशन जो कि होगा तीन बजे जिसमें मैं बायोटेक्नोलॉजी के बायोटेक के एंड रीजन आपको करवाने वाली ठीक है जी चल शुरू करें यस ओके लाइक कर दो सेशन को लाइक कर दो सेशन को ठीक है कुछ कुछ क्या बोलूँ मैं उन्हें मूरख प्राणी ने तो इग्नोर कर दिया इस चीज को बट यस हां जी मैं Uh, मेरा बच्चों क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें मैं छः बजे आज मैंने ग्यारह बजे इसलिए रखा क्योंकि संडे था तो मैंने सोचा तुम तो फ्री ही हो गए बजे इसलिए मैंने रखा तो छः बजे मेरा क्लास रहता है नॉर्मली uh, छः बजे मेरा को, uh, क्रैश कोर्स रह रहा है और मैंने अभी आपके काफ़ी चैप्टर ख़त्म करवा दिए हैं आज हम स्ट्रैटेजीज़ वाला ख़त्म करेंगे ठीक है ना ओके एंड आई एम गोइंग टू कवर बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों मैं कवर करवाने वाली हूँ येस yes. दोनों कवर करवाने वाली हूँ ओके जी चलो शुरू करें और शुरू करने से पहले तो मेरे न्यू ईयर का गिफ्ट जो हम तीन चार दिन से बता ही रहे हैं कि आपके पास बच्चे अब आ चुका है 23 परसेंट ऑफ आ चुका है मैं आपको बोल भी रही हूँ कि हमारा एक बैच आने वाला है लाइव बैच आने वाला है क्रैश कोर्स आने वाला है जिसमें हर एक चीज कवर होगी एंड एक डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और वहाँ पर अब आपको ट्वेंटी ऑफ मिल रहा है बच्चों गार्गी कोड लगाओगे एंड यू विल गेट ट्वेंटी ऑफ आपको मेरा गाइडेंस मेरा मेंटोरशिप भी मिलेगा राइट right? चलिए जी देखो हम बात करेंगे स्ट्रैटेजीज़ की जिससे मैं फ़ूड का प्रोडक्शन बढ़ा सकती हूँ और फ़ूड की क्वालिटी भी बढ़ा सकती हूँ दो चीज़ों पे बात करूँगी दो चीज़ों पे बात करूँगी ठीक है दो चीज़ों पे बात करूँगी कि मुझे फ़ूड का क्वालिटी भी बढ़ानी है और क्वांटिटी भी बढ़ानी है तो ये दो चीज़ें कैसे होंगी अब फूड में सब कुछ आ जाता है भी वेज भी आ जाता है नॉन वेज भी आ जाता है ठीक है हम डेयरी फार्म की भी बात करेंगे हम पोल्ट्री की भी बात करेंगे हम लोग पिसी कल्चर की भी बात करेंगे इस सब को हम कैसे इंक्रीज करें ठीक है क्वालिटी कैसे बढ़ाएं और क्वांटिटी भी कैसे बढ़ाएं उसका जो आपका मेथड्स हैं उसके जो आपके तरीके हैं टेक्निक्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रैटेजीज फॉर एनहैंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में दैन चलो शुरू करते हैं और कोई मुझे ये ज्ञान नहीं देके जाएगा यहाँ पे कि मैम जल्दी करा दो जल्दी करा दो जिसको जल्दी है बच्चों वो अभी ही इस सेशन से निकल जाए ठीक है मेरे को वो सब नहीं चाहिए बहुत ही यू uh, नो you know, शिद्दत के साथ मैं पढ़ाती हूँ और आज के दिन भी आ गई हूँ तो ये सब फालतू की बातें तो मैं नहीं सुनने वाली हूँ अब ओके okay? शुरू करते हैं चलो एनिमल हस्बेंड्री और जो बच्चा तमीज़ से पढ़ने आया है जिस बच्चे को सच में ही डॉक्टर बनना है ना वो ये सब बातें बोलता भी नहीं है ये सब बातें वो बच्चे बोलते हैं जिनको जिनको सिर्फ बस मस्ती करने आ गए हैं यहाँ पे परेशान करने आ गए हैं तो so वो बच्चे ना अपने को चाहिए भी नहीं ठीक है चलो यस ओके चलो वी विल स्टार्ट विद एनिमल हजबेंड्री एनिमल हजबेंड्री भाई मेरे कमरे में हो चुके बहुत गर्मी क्योंकि एसी तो बंद हो चुका है है ना और एन अकेडमी वालों ने जो स्टूडियो बनवाते हैं ना उसमें जो आप, आपका सीलिंग होता है वहाँ से फैन निकल जाता है तो फैन भी नहीं है यहाँ पर <laughs> चलो ओके <laughs> okay. एनिमल हस्बैंड्री क्या होता है एनिमल हस्बैंड्री इज़ कि हम एनिमल्स का ध्यान देखो हस्बैंड्री का जो मतलब होता है ना हस्बैंड्री का मतलब होता है ध्यान रखना जो हस्बैंड वर्ड है ना वो भी क्यों बोला जाता है हस्बैंड क्यों बोला जाता है क्योंकि अब अब के जमाने में तो ऐसा नहीं होता आपके जमाने में तो वाइफ भी ध्यान रखती है हस्बैंड भी ध्यान रखते पहले कैसा होता था पहले होता था कि भाई जो पति है वही ध्यान रखते हैं घर का तो इसलिए हस्बैंड वर्ड का मतलब होता है या हस्बैंड्री मतलब ध्यान रखना किसी चीज का तुम किसका ध्यान रख रहे हो एनिमल्स का ध्यान रख रहे हो क्यों ध्यान रख रहे हो क्योंकि तुम्हें एनिमल से मिल्क चाहिए तुम्हें एनिमल से क्या चाहिए मीट चाहिए इसलिए तुम उनका ध्यान रख रहे हो ओके ठीक है ना ओके चलो So, जो एनिमल हस्बेंड्री में बच्चों में आपको इंप्रूवड ब्रीड के हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम ब्रीडिंग को इम्प्रूव करेंगे कैसे हम ब्रीड को इंप्रूव करेंगे जिसमें हम इन ब्रीडिंग पढ़ेंगे आउट ब्रीडिंग पढ़ेंगे दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लेकिन उससे पहले हम एक फैक्ट पढ़ने वाले हैं कि सत्तर परसेंट सत्तर परसेंट जो आपका लाइव स्टॉक है ठीक है सत्तर परसेंट जो हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है लाइव स्टॉक मतलब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है सेवेंटी परसेंट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स या फिर ऑफ वर्ल्ड्स लाइव स्टॉक इज इन इंडिया एंड चाइना इंडिया और चाइना में सत्तर परसेंट पूरे पूरे के पूरे अर्थ का मिला के अगर मैं देखूँ तो सत्तर परसेंट जो एनिमल्स हैं डोमेस्टिकेटेड वो कहाँ हैं इंडिया एंड चाइना में हैं, लेकिन बच्चे एक चीज की गड़बड़ है ठीक है स्पेशली इन इंडिया एक चीज की गड़बड़ है कि हमारा जो प्रोडक्शन है ना जो हमारा जैसे मिल्क का प्रोडक्शन हो गया या मीट का प्रोडक्शन हो गया वो सिर्फ ट्वेंटी फाइव परसेंट है इट शुड बी मोर आपके पास यू नो लाइफ स्टॉक ज्यादा है तो इट शुड बी मोर बट द प्रोडक्शन फार्म प्रोड्यूस कितना है हमारा बड़ा कम है और ऐसा क्यों है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितना है ओनली ट्वेंटी फाइव परसेंट है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता कि 25 क्यूं है कि ट्वेंटी फाइव परसेंट क्यों है क्यों है बच्चों वाई डू यू थिंक दैट इट इज ओनली ट्वेंटी हां जी यस बच्चों हैश टैग नो मैटर वॉट मुझे पता है जो बच्चा Uh, मुझे बहुत सीरियसली फॉलो कर रहा है ना वो तो आ ही जाएगा ठीक है वो तो बिल्कुल आएगा और ऐसे ही बच्चे की मुझे ज़रूरत है ऐसे क्योंकि मुझे भी तो रिजल्ट निकालना है ना मुझे नहीं चाहिए वो जो मस्ती करने आते हैं ना मुझे नहीं चाहिए मुझे वही बच्चा चाहिए जो हैश टैग नो मैटर वॉट कुछ भी हो साल का पहला दिन साल का लास्ट डे वो यहाँ आएगा हाँ जी यस क्यों होता क्यों है ऐसा क्यों होता है बच्चों इससे कि जो हमारा फार्म फार्मीज बहुत कम है वो इसलिए कम है क्योंकि वी आर स्टिल यूजिंग आउटडेटेड टेक्निक्स हम अभी भी कन्वेंशनल मेथड ही यूज़ कर रहे हैं अब वो कन्वेंशनल मेथड से मैं इंक्रीज़ नहीं कर सकती यील्ड या फिर जो फार्म प्रोड्यूस है वो मैं इंक्रीज़ नहीं कर सकती तो हम ये गड़बड़ कर रहे हैं येस yes? हाँ जी हम क्यों कर रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि अपना वही पुराना तरीके चलते आ रहे हैं इसलिए अपनी प्रोडक्टिविटी है कम वेर एज जिनके पास लाइफ स्टॉक कम है उनका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है क्यों क्योंकि उन्होंने नए मेथड यूज़ करने शुरू कर दिए अच्छा चलो अब एक क्वेश्चन डेयरी फार्म मैनेजमेंट हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फिर उसके बाद हम पोल्ट्री पे जाएंगे है ना फिर एपीकल्चर वगैरह डिस्कस करेंगे अब तुम्हारे लिए एक प्रोजेक्ट है तुम्हारे लिए एक प्रोजेक्ट है मान लो मैंने आपको यहां पे जितने भी बच्चे हैं ठीक है ठीके? आज ये चैप्टर खत्म होगा तो प्लीज थोड़ा सा आराम से बैठना है आराम से बैठना है आज ये चैप्टर खत्म होगा यस <coughs> आपने एक डेयरी फार्म खोलना है तो बच्चे आप किस किस चीज का ध्यान रखेंगे फटाफट से बताइए हां जी आप किस किस चीज का ध्यान रखेंगे आप एक चीज तो ये देखेंगे आप आपको मैंने दे दिया कि चलो जी यहाँ पे जितने बच्चे थ्री 370 बच्चा कुछ वॉचिंग द सेशन है ना मैंने सबको बोला कि एक प्रोजेक्ट है आपके पास हम सब मिलके एक फार्म बनाएंगे डेयरी फार्म बनाएंगे तो पहली चीज मैं क्या ध्यान दूंगी मेरे को जो कैटल्स लाने हैं मेरे जो कैटल्स हैं वो कैसे होने चाहिए वो हाई यील्डिंग होने चाहिए वो बहुत बढ़िया ब्रीड के होने चाहिए ठीक है पहली चीज़ तो ये हो गई दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे भाई हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए ऐसा थोड़ी ना कि उनको गंद में रखो उनको बीमारियाँ हो जाए ये नहीं चाहिए तीसरी चीज़ हम क्या चाहेंगे कि उनको अच्छा चारा दें हम उनको जो उनका जो फीडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए न्यूट्रिशियस उनको खाना मिलना चाहिए एंड ऑल्सो साइंटिफिक होनी चाहिए फीडिंग ऐसे नहीं होना चाहिए कि अभी एक घंटे पहले खाना दिया फिर फिर से दे दिया फिर फिर से दे दिया नहीं इट हैज़ टू बी साइंटिफिक जो आपकी ब्रीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको कौन सा खाना देना और कितने टाइम के बाद देना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और क्या करोगे भाई तुम तुम वेट को बुलाओगे ठीक है जी वेट को रेगुलर विजिट रहेंगे कि एक महीने में एक बार बुला लिया कि देखिए जी हमारे जो पेट्स हैं सॉरी नॉट द पेट्स हमारे जो कैटल है वो ठीक ठाक है या नहीं किसी को बीमारी होगी क्या ये बीमारी बहुत ही डेंजरस तो नहीं है कि बाकियों को तो नहीं फैल जाएगी सो ये करना है और क्या होगा होगा कि आप ध्यान देंगे एक तो हाइजीनिक कंडीशन हम पहले भी ध्यान दे रहे थे दूसरी चीज बच्चे हाइजीनिक आप तभी भी ध्यान रखोगे जब आप मिल्किंग कर रहे हैं जब दूध निकाला जा रहा है जब दूध को स्टोर करा जा रहा है ये सारी चीजें का आप ध्यान रखने वाले हैं ठीक है यस yes. तो यह सब तो मुझे बताने की जरूरत है यह तो बड़ी बेसिक सी चीज है ये बेसिक सी चीज है कि हम ये सब करने वाले हैं और इंप्रूवड ब्रीड इन केस ऑफ कैटल्स एज आपके बुक में दिया हुआ ये हमें याद होना चाहिए इंप्रूवड ब्रीड कैटल का कौन सा है इट इज जोर्जी इट इज जोर्जी ठीक है जोर्जी है इंप्रूव्ड ब्रीड आपके अब पोल्ट्री का पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में भी सेम चीजें अप्लाई होंगी सेम चीजें अप्लाई होंगी वहां पे भी आपको अच्छी ब्रीड रखनी पड़ेगी वहां पे भी आपको फीडिंग का ध्यान रखना पड़ेगा वहां पे भी आपको बच्चों हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा वहां पे भी क्लेनलीनेस का ध्यान रखना पड़ेगा वहां पर भी आपको वेट के रेगुलर विजिट करवाने पड़ेगा सब कुछ सेम है वो सेम है अब यहां पर इम्प्रूव ब्रीड पोल्ट्री कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए इट इज लेग होन इट इज लेग हॉर्न बहुत सारी होती है लेकिन अपनी किताब में जो दी है वो हमें बहुत जरूरी है याद करना हमें ऐसा नहीं है कि सत्तर में तुम्हें ब्रीड बना दू बता दू जर्जी होती है जी ये होती है वो होती है नहीं ठीक है बहुत सारी होती है इंडिया में भी बहुत सारी है लेकिन यू हैव टू रिमेंबर जर्जी फॉर कैटल यू हैव टू रिमेंबर लेग हॉर्न फॉर पोल्ट्री और पोल्ट्री में क्या क्या आ जाता है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पोल्ट्री में और क्या क्या इंक्लूड, इंक्लूड करते हैं बर्ड्स इंक्लूड करते हैं लेकिन कौन सा चिकन ठीक है चिकन डक्स ड और क्या यूज करेंगे टर्की टर्की एंड सबको बच्चे हम पोल्ट्री में क्या करते हैं ग्रो करते हैं पालते हैं इनका ध्यान रखते हैं फॉर ये फॉर एग फॉर मीट ओके जी चलो अब तुम्हारा चैप्टर ना अब शुरू होगा ये तो बड़ी बेसिक सी बात है थी तुम्हारा चैप्टर अब शुरू होता है जब मैं बात करूंगी एनिमल ब्रीडिंग की ये yes. <coughs> animal breeding ठीक है जी अब मैं बात करूंगी एनिमल ब्रीडिंग की यस yes. एनिमल ब्रीडिंग में आपका दो तरह की होगी देखो ब्रीडिंग तुम्हें पता है वन इज इन ब्रीडिंग अनदर इज आउट ब्रीडिंग एक क्या है इन ब्रीडिंग होती है एक क्या होती है आउट ब्रीडिंग होती है चलो जो आज न्यू ईयर मना रहे हैं ना मेरे को ना काफ़ी मैं इस बात से ना काफ़ी मेरे को ना दुख हो रहा है सच में कि कितने यार तुम बेवकूफ़ हो कितने यार तुम बेवकूफ़ हो जो भी आज न्यू ईयर मनाने बैठे हैं ना सारा साल ना वो न्यू ईयर ही मनाते रह जाएंगे मैं बता रही हूँ तुम्हें अगर कोई एक दिन को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है ना कि अपना नैनी जी हमारे तीन चार क्वेश्चन अगर हो जाए तीन चार क्वेश्चन या फिर एक दिन का सेलिब्रेशन इतनी मूर्खता की बात है ना ये मतलब मेरे को तो बहुत ही गंदा लग रहा है इस बात पे कि तुम इतने तुम्हें इतना नहीं समझ में आता यू कम ऑन ठीक है हम सब समझाते समझाते थक जाते हैं तुम्हें लेकिन आई थिंक चलो समझाना ही नहीं चाहिए यस इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग इसको समझ लो बहुत बढ़िया तरीके से समझ लो ठीक है मेरा कमरा ना अवन बन चुका है यस इन ब्रीडिंग क्या होगा देखो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे नहीं लिखूंगी अभी कुछ यहाँ मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देने वाली हूँ यहाँ एग्जाम्पल से समझो पहले फिर उधर लिखेंगे अच्छी अच्छी राइटिंग में मतलब जितनी अच्छी मैं लिख सकती हूँ उतनी ठीक है जी यस yes. देखो बच्चों मैं अगर तुमसे पूछूं कि भाई तुम बताओ डॉग्स के ब्रीड तुम इतने सारे नाम मुझे बता दोगे फटाफट से बताओ डॉग्स की ब्रीड के नाम बताओ फटाफट से बताओ मैं दोनों करवाने वाली हूं यस हाँ जी फटाफट से मुझे ब्रीड्स के नाम बताओ हाँ जी किसी ने नहीं, नहीं बताया डॉग की ब्रीड का एक दो नाम तो बता दो पग लेब्रोडोर जर्मन शेफर्ड ओके यस यस yes. ठीक है जी चलो तो तुमने बहुत सारे नाम तुम्हें पता है देखो बच्चों एक ब्रीड जैसे पग एक ब्रीड हो गया एक ब्रीड हो गया मान लो जो ये है अब इसको समझना क्योंकि इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग में आप कंफ्यूज हो जाते हो है ना जी चलो देखो ये है तुम्हारा पग ठीक है ये पग है अब पग के आगे एक फैमिली है मान लो ये एक पग था इसकी शादी हुई किसी से तो होगी सो दिस इज आई वुड से मेल दिस इज वुड से फीमेल पग है शादी हो गई ठीक है अभी शादी हो गई मेट करा दिया चलो अब आगे बच्चे होंगे बच्चे हुए ठीक है फिर और भी बच्चे होंगे फिर और भी बच्चे हुए होते जा रहे हैं होंगे ही डॉग्स के तो कितने सारे बच्चे हो जाते हैं ये लो होते जा रहे हैं मैं बहुत सा ये डायग्राम बना रही हूं सिर्फ सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए होते जा रहे हैं होते जा रहे हैं बच्चे अगर ना इन्हीं के बीच में तुम ब्रीडिंग करवा रहे हो देखो एक बच्चा ने लिखा कि मैम इन ब्रीडिंग होता है सेम ब्रीड आउट ब्रीडिंग होता है अलग ब्रीड नहीं आउट ब्रीडिंग तीन तरह का होता है उस तीन तरह को समझने के लिए तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी ठीक है था? चलो समझो अगर इसी में मैं ब्रीडिंग करवाती जा रही हूं इन्हीं के अंदर ब्रीडिंग होती जा रही है मतलब यहां से एक और ले लिया डॉगी एक यहां से ले लिया ब्रीडिंग करा दी एक यहां से ले लिया एक यहां से ले लिया ब्रीडिंग करा दी या फिर इन्हीं की ब्रीडिंग करा दी दिस इज इन ब्रीडिंग ठीक है इन ब्रीडिंग है चलती जा रही है चलती जा रही है आगे तक लेके जा सकते हो तुम तो, ऐसे ऐसे करके इन ब्रीडिंग हो रहा है इन्हीं के बीच में ब्रीडिंग हो रही है उसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग उसको क्या बोला जाता है इन ब्रीडिंग सेम ब्रीड है सेम ब्रीड है ओके okay? लेकिन पांच छह जनरेशन तुम्हारी चार छ जनरेशन तक एक ही इनका एक ही इनका इंसेस्टर है इनका इन्सेस्टर क्या है बच्चे एक ही है ना इनसेस्टर तो यही थे ना पग वन एंड पग टू ही थे ना एंसेस्टर्स तो इससे अलग तो एंसेस्टर नहीं आए अभी हमारे पास तो जनरेशन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अगर तुम छः सात जनरेशन तक सेम एंसेस्टर वाले इंडिविजुअल्स को मेट करवा रहे हो उसको बोला जाता है इन ब्रीडिंग लेकिन अगर मैं यहां पे एक और पग की फैमिली ले आऊं पग पग यार कोई भी डॉग रख सकते हो या फिर तुम ठीक है दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर इनकी भी फैमिली चल रही है ऐसे 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 करके इनका भी अगर मैं फैमिली का ट्री बना दू लाइक दिस मैम आप हमेशा तीन क्यों बना रहे हो दो भी बना सकते हो तुम्हारी मर्जी है यार ऐसे 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 करके सो दिस इज वन दिस इज टू थ्री फोर फाइव सिक्स जनरेशन तक यहाँ पे भी चल गया अगर मैं इन दोनों फैमिलीज के बीच में इन ब्रीडिंग करवा दूँ दोनों फैमिलीज के बीच में ब्रीडिंग करवा दूँ तो बच्चों उसको क्या बोला जाएगा उसको बोला जाता है क्रॉस आर यू क्लियर इसको बोला जाएगा क्रॉस तो आउट क्रॉस में भी ब्रीड तो सेम है पग ही है मैंने ऐसा तो नहीं करा कि मैं लेब्राडॉल ले आई ब्रीड तो सेम है पग ही है मैं लेब्राडॉल तो नहीं लेकर आई लेकिन दिस इज अ डिफरेंट इंसेस्टर वाला फैमिली दिस इज अ डिफरेंट इंसेस्टर वाला फैमिली इन दोनों के बीच में इन दोनों के इंडिविजुअल के बीच में अगर तुमने मेटिंग करवाई तो उसको बोला जाता है क्रॉस ठीक है क्या ये समझ में आया क्या ये समझ में आया बोलो बोलो ठीक है ये एक दोबारा से बताती हूँ चलो आई विल इरेज एवरीथिंग सब कुछ इरेज कर दिया फिर से बताती हूं फिर से बताती हूँ देखो ये था तुम्हारा पग ठीक है वन एंड टू दो लोग तो चाहिए ना मेटिंग के लिए मेल एंड फीमेल चाहिए होगा तो यहां पे एक और फैमिली है पग थ्री एंड फोर दो लोग और चाहिए ना तुम्हें एक और फैमिली बनाने के लिए तो भाई इनके आगे बच्चे होंगे उन बच्चों के भी आगे बच्चे होंगे बना लो कितने बनाने दो बनाने तीन बनाने चार बनाने बनाते जाओ तुम फिर आगे और बच्चे होंगे ठीक है ये लीजिए आगे और बच्चे होंगे ऐसे ही करके बच्चे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा जनरेशन चल रहा है इन्हीं का आपस में मैंने ब्रीडिंग करा दिया तो उसको बोलेंगे इन ब्रीडिंग ठीक है इन्हीं का आपस में मैंने ब्रीडिंग करा दिया तो उसको बोलेंगे इन ब्रीडिंग लेकिन लेकिन इन ब्रीडिंग के कुछ नुकसान हैं हम बात करेंगे इन ब्रीडिंग के कुछ नुकसान है क्या होता है ना कि हार्मफुल जीन एक्सप्रेस कर जाते हैं अपने आप को है ना हार्मफुल uh, कैरेक्टर्स आ जाते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं हम बोलते हैं कि नहीं भाई वेरिएशन चाहिए ऐसे तो सब खराब हो जाएगा वेरिएशन चाहिए तो हमने क्या करा सेम ब्रीड ली ब्रीड सेम ली ये दूसरी फैमिली चल रही है देखो ये दूसरी फैमिली चल रही है आपकी तो so, यहां पे भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जनरेशन तक चल रहा है इसी का यहां पे मैं इसके इंडिविजुअल के साथ अगर ब्रीडिंग करवा तो उसको बोला जाएगा, उसको बोला बोला जाएगा जाएगा आउट क्रॉस आउट क्रॉस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउट ब्रीडिंग यहां पे लिख देती हूँ मैं आउट ब्रीडिंग कितने तरह का होता है तुम्हारा तो तीन तरह का होता है आई एम राइटिंग दिस अरे 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 <coughs> आउट ब्रीडिंग बच्चे तीन तरह का है और हमें ये तीन तरह में बहुत clarity होनी चाहिए. आउट क्रॉस होता है ठीक है होता है इसमें. इंटर स्पेसिफिक में तो हमने स्पीशीज ही अलग कर दी ठीक है इसमें तो हमने स्पीशीज ही अलग कर दी है हाइब्रिडाइजेशन दाइट right. तो क्या हुआ सेम ब्रीड यहाँ पर भी सेम ब्रीड ही होती है आउट क्रॉस में आई वॉन्ट टू यू नो मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेरी क्लियरली क्योंकि बच्चे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रीडिंग में यही वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि तुम्हें डिफरेंट दिक्कत हो जाती breeding, है इन ब्रीडिंग मैम सेम ब्रीड है आउट क्रॉस भी सेम ब्रीड है ऐसे कैसे भाई फैमिलीज देखो ना एक ये फैमिली थी चलती आ रही है चलती आ रही है चलती आ रही है एक ये फैमिली थी चलती जा रही है चलती जा रही है सो so, पग की सेम फैमिली के बीच में जब आप ब्रीडिंग करवा रहे हो उसको बोलोगे इन ब्रीडिंग जब दो पग की फैमिलीज के बीच में तुमने ब्रीडिंग करवाई उसको बोलोगे आउट क्रॉस क्या ये सही है समझ में आया फटाफट पड़ से बताओ अभी समझ में आया अभी समझ में आया बोलो 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 यस यस येस यस सो बच्चों दिस इज इन ब्रीडिंग अगर यहीं पे मेटिंग करवाते जा रहे हो ना करवाते जा रहे हो ये हो जाएगा इन ब्रीडिंग ये हो जाएगा इन ब्रीडिंग अगर इन दोनों के बीच में आपने मीटिंग करवा दी ये हो जाएगा आउट क्रॉस ये क्या हो जाएगा आउट क्रॉस हो जाएगा डन अरे ये सफारी में क्यों खुल गया अरे ठीक है बताओ 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 फटाफट से बता दो फटाफट से बता दो यस ओके आई कैन सी योर यस हर्षिता यू कैन से दैट यू कैन से हर्षिता यू कैन से दैट ठीक है ओके चलो मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन तो इन ब्रीडिंग एंड आउट क्रॉस तुम्हें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग तो सिंपल है अलग अलग ब्रीड यूज करेंगे उसमें तुम्हें दिक्कत नहीं होती इंटर स्पेसिफिक में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसमें डिफरेंट स्पीशीज यूज कर लेते हैं ठीक है यस मैम आउट ब्रीडिंग को डिफरेंट ब्रीड बोल सकते हैं नहीं बोल सकते बच्चे नहीं बोल सकते आउट ब्रीडिंग में आपका आउट क्रॉस में सेम ब्रीड होता है आउट क्रॉस में सेम ब्रीड होता है अभी बताया पग 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 के साथ ही तो मैं ब्रीडिंग करवा रही हूँ ये फैमिली अलग हो गई फैमिली अलग हुई ना फैमिली तो अलग हुई बट ब्रीड तो सेम है मैं कोई आपका जर्मन शेफर्ड के साथ तो नहीं करवा रही ब्रीडिंग नहीं करवा रही ना सेम है ब्रीड तो सेम ब्रीड है लेकिन फैमिली अलग हो गई ठीक है ना इंसेस्टर्स अलग हो गए उसको हम बोलेंगे उसको हम बोलेंगे यस आउट क्रॉस इन क्लियर टू एवरीबडी चलो सब ऐसे वाला करके बता दीजिए या फिर फायर इमोजी से बता दो कि तुम्हें समझ में आ गया फटाफट पड़ से बताओ हां जी फटाफट पड़ से बताओ बोलो 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 एंड कैन यू प्लीज लाइक द सेशन क्या आप सेशन को लाइक कर सकते हो बच्चों आई एम हियर फर्स्ट जनवरी को भी मैं यहाँ पे आई हूँ तुम्हें पढ़ाने है ना और बिल्कुल देखो अभी तक एकदम बढ़िया मस्त डिटेल में सब कुछ चल रहा है ब्रीडिंग को समझाने की पूरी कोशिश कर रही है ना यस यस ठीक है जी तो जब हम सेम एंसेस्टर लेके चल रहे हैं कब तक छ जनरेशन तक उसको हम इन ब्रीडिंग बोलेंगे ठीक है उसको हम इन ब्रीडिंग बोलेंगे ओके और जब हम बच्चे जब हम बच्चे हमारा जो इंसिस्टर है वो सेम नहीं है ब्रीड सेम है लेकिन इंसिस्टर सेम नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे आउट क्रॉस बोलेंगे ठीक है जी आउट क्रॉस बोलेंगे चलो अब हम लिखने के लिए तैयार हैं अब हम लिख सकते हैं अब हम आउट इन ब्रीडिंग लिख सकते हैं आउट ब्रीडिंग के बारे में लिख सकते हैं क्योंकि मैंने तुम्हें समझा दिया है सो नाउ वी कैन राइट इट चलिए जी इन ब्रीडिंग क्या होता है मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड फॉर सिक्स जनरेशन चार से छह जनरेशन तक हम मीटिंग करते जा रहे हैं <coughs> मीटिंग ऑफ मीटिंग ऑफ देखो एनिमल हस्बेंड्री में यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाकी तो ऐवी चीजें हैं एनिमल हस्बेंड्री में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको बड़ा ध्यान से करना है मीटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स ठीक है जी विद इन विद इन कितनी जनरेशन तक विद इन ऑफ सेम ब्रीड लिखो ऑफ सेम ब्रीड ऑफ सेम ब्रीड विद इन फोर टू सिक्स जनरेशन तक आप उन्हें एक ही जो इंसेस्टर थे उसके जो बच्चे होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे उनको आपस में ही ब्रीड करते जा रहे हो बच्चे अगर ऐसे ही करते रहोगे तो वेरिएशन तो नहीं आएंगी ना गड़बड़ हो जाएगी वेरिएशन नहीं आएगी गड़बड़ हो जाएगी ठीक है तो इसमें हम क्या करते हैं सुपीरियर मेल लेते हैं सुपीरियर मेल लेते हैं सुपीरियर मेल को हम सुपीरियर फीमेल के साथ ब्रीड करवा देंगे नाउ व्हाट इज अ सुपीरियर मेल एंड व्हाट इज अ सुपीरियर फीमेल क्या किसी को कुछ पता है सुपीरियर मेल या फीमेल क्या होते हैं सुपीरियर मेल ऐसा मेल है जिसकी प्रोजेनि बहुत स्ट्रांग होती है सुपीरियर फीमेल ऐसी फीमेल है अगर मैं कैटल्स की बात करूं जिसका मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है जो डिजीज रेजिस्टेंट है ठीक है वो होती है सुपीरियर फीमेल सुपीरियर मेल क्या है सुपीरियर मेल क्या है इस ये क्या करेगा इसकी प्रोजेनी बहुत स्ट्रांग होगी प्रोड्यूस स्ट्रांग एंड हेल्दी प्रोजेनी मतलब भाई जिसके बच्चे बहुत ही तगड़े होंगे वो है सुपीरियर मेल सुपीरियर फीमेल कौन है जिसका मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा मोर मिल्क प्रोडक्शन हो जाएगी सुपीरियर फीमेल क्या ये बात सबको समझ में आई सुपीरियर मेल एंड फीमेल हम किसको बोलते हैं ठीक है जी यस yes. अब अच्छी इन ब्रीडिंग को मैं थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाती हूँ इन ब्रीडिंग को ही थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाएंगे <coughs> ठीक है? का डेफिनेशन हमने देख लिया, लेकिन इन ब्रीडिंग के एडवांटेज क्या, क्या है वो देखना पड़ेगा उसमें मैं तुम्हें दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने वाली हूं एडवांटेज भी होता है हाँ एडवांटेज होता है बिल्कुल होता है एडवांटेज ये होता है बच्चे कि मान लीजिए आपने जो एक्सपेरिमेंट करा ठीक है आपने जो एक्सपेरिमेंट करा ये लो यहां पे आपने एक्सपेरिमेंट सुपीरियर मेल लेटस से ये था सुपीरियर मेल आपने इसको मेट कर दिया विथ सुपीरियर फीमेल ऐसे समझ लो ठीक है ओके अब भाई आगे जो प्रोजेनी बनी एक दो तीन चार पांच बन गए पांच बन गए ठीक है पांच बने चलो छ बना लो जो भी है छ बना लो अब इनमें से ना ये ओके टाइप्स था ये भी ओके टाइप्स था ये कैसा था बच्चों इसके अंदर जो कैरेक्टर्स आए ना वो कैसे आ गए रिसेसिव वाले अच्छे कैरेक्टर नहीं आए तो ये कैसा था हार्मफुल कैरेक्टर्स आ गए इसके अंदर है ना और इसके अंदर भी बोल दो हार्मफुल आ गए ये भी ओके okay टाइप था दिस वन वॉज वेरी 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 स्ट्रोंग ये क्या था ये बड़ा स्ट्रोंग था इसको डिजीज नहीं होती थी तो तुम क्या करोगे यहां से तुम सिर्फ इसको सेलेक्ट कर सकते हो आर्टिफिशियल सेलेक्शन बोलते हैं इसको बाकी सबको हम एलिमिनेट कर देंगे एलिमिनेट कर देंगे इसका मतलब ये नहीं कि मार देंगे ना 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 मारेंगे नहीं लेकिन हम इनको अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं यूज करेंगे क्योंकि तुम खुद बताओ कि तुम ओके 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 टाइप्स को यूज करोगे या फिर हार्मफुल कैरेक्टर जिसके अंदर आ गए हैं उनको यूज करोगे अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं आप किसको यूज करोगे उसको यूज करोगे जो बहुत ही तगड़ा है जिसको डिजीज नहीं होती जिसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है आप उसी को यूज करोगे ना इट मेक सेंस ना तो जब मैं इन ब्रीडिंग करती हूँ ना मुझे ये हार्मफुल कैरेक्टर शो हो जाते हैं जब मैं इन ब्रीडिंग करती हूँ ना तो मुझे हार्मफुल कैरेक्टर शो हो जाते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि भाई इस ऑर्गेनिज्म को इस कैटल को यूज नहीं करना अगले एक्सपेरिमेंट में ये वाली जो गाय है ना इसको नहीं यूज करेंगे ये वाली गाय को यूज करेंगे ये आपको तभी आता है ये वाला रिजल्ट तभी आता है जब आप इन ब्रीडिंग करते हो तो इन ब्रीडिंग से एक फायदा हो गया कि मुझे पता चल जाएगा इट एक्सपोजेज द हार्मफुल कैरेक्टर्स ओके हार्मफुल कैरेक्टर्स आपके एक्सपोज हो जाते हैं तो मेरे लिए फायदा जैसे तुम जैसे बच्चे मैं क्या बोलती हूं तुम्हें कि आप प्रैक्टिस करा करो क्वेश्चन की मॉक टेस्ट दिया करो जो भी मैं टेस्ट लेती हूं दिया करो उसका क्या फायदा होता है तुम्हें पता चल जाता है कि तुम किस एरिया में वीक हो फिर तुम उसके ऊपर काम कर सकते हो है ना यस yes, ऐसा ही हम यहां पे कर रहे हैं तो एडवांटेज क्या है एक तो है कि हार्मफुल जीन्स हार्मफुल जीन्स या फिर रिसेसिव या फिर रिसेसिव रिसेसिव आपके क्या होंगे एक्सप्रेस हो जाते हैं और उनको तुम एलिमिनेट कर सकते हो कैन बी एलिमिनेटेड आप अपनी मर्जी से कर सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन इसको हम क्या बोलेंगे बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन है ना इससे हमने इसको एलिमिनेट कर दिया मैं खुद डिसाइड कर सकती हूं कि मैं अपने आ, अगले एक्सपेरिमेंट में किसको यूज करूंगी भाई है ना जी चलो आ जाओ ये हो गया अब दूसरी चीज इसका और क्या फायदा है? इसका फायदा होता है होमोजाइगोसिटी होमोजाइगोसिटी ये क्या होता है होमोजाइगोसिटी क्या होता है सेम तरह के कैरेक्टर आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाता है मतलब प्योर लाइन मेंटेन हो रही है प्योर लाइन प्योर लाइन कौन सी होती है वेर देर इज नो वेरिएशन तुम बोलोगे मैम ये अच्छी बात कैसे है ये अच्छी बात ऐसे बच्चों कुछ कैरेक्टर तो होंगे ना जो अच्छे कैरेक्टर थे मम्मी पापा के अच्छे अच्छे कैरेक्टर तो होंगे ना कुछ अगर वो कैरेक्टर हम चाहते कि नहीं ये वाले कैरेक्टर तो रखने हैं ये तो होना चाहिए तो बार बार वही कैरेक्टर हर जनरेशन में आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं ये तो अच्छी बात हो गई ना ठीक है तो ये अच्छी बात होगी कि मैंने हार्मफुल तो निकाल दिए और अच्छे वाले कैरेक्टर मैं प्रिजर्व करती जा रही हूं करती जा रही हूं करती जा रही हूं होमोजाइगोसिटी मेंटेन करती जा रही हूं यस ठीक है चलो डन ओके okay जी तीसरी चीज क्या होगी एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन वो इसी का मतलब है इसी का ही एक्सटेंशन है एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स वो यही है बिल्कुल यही है यही चीज है वो और कुछ नहीं है यही चीज है तो अपन ने क्या करा अपन ने हार्मफुल निकाल दिए अपन ने एक प्योर लाइन मेंटेन कर ली क्योंकि मुझे अच्छे जीन चाहिए 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 मैं उनको लूज नहीं करना चाहती और मैंने एक्यूमुलेट कर लिए सुपीरियर जीन्स ठीक है मजा आ गया मजा आ गया एकदम मजा आ गया बढ़िया चीज है तो एडवांटेज हैं इसके अब एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे बिल्कुल होंगे तो डिसएडवांटेज लिख लेते हैं एक तरफ हम लिखेंगे डिसएडवांटेज एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है और वो क्या है कि यहां पे हो जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन यहां क्या हो जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन वो क्या है बताती हूं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा भाई ये क्या होता है ऐसा नहीं है कि प्लांट को डिप्रेशन हो गया नहीं प्लांट को या एनिमल को डिप्रेशन हो गया नहीं अच्छा इनब्रीडिंग डिप्रेशन दोनों में हो सकता है प्लांट में भी एनिमल में भी जब आप कंटिन्यूसली वही इनब्रीडिंग करवाते जा रहे हो करवाते जा रहे हो करवाते जा रहे हो करवाते, करवाते बच्चों एक टाइम के बाद आपके पास ना कोई वेरिएशन नहीं रहेगी आपको पता है वेरिएशन कितनी जरूरी है अगर आप लड़ना चाहते हो बदलते हुए हालातों के साथ वेरिएशन बहुत जरूरी है आपको भी बदलना पड़ेगा लेकिन आप कोई बदलाव ही नहीं ला रहे हो आपका पिछले दस जनरेशन से वही सेम जीन चले आ रहे हैं क्या वो अच्छी बात होगी क्या वो अच्छी बात होगी बताइए हाँ ह्यूमन में भी होता है बच्चे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन अरे ह्यूमन बींग में भी होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इंसानों में भी होता है अगर कहीं पर क्लोजली रिलेटेड जो रिलेटिव वगैरह हैं उनमें शादियां होती रहती है ना तो बच्चे वहां पे तुम नोट करोगे कि उधर जेनेटिक डिजीजेस ज्यादा होती हैं ठीक है वहाँ जेनेटिक डिजीजेस ज़्यादा होती हैं दैट इज ऑल्सो वॉट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन है बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होना एंड स्पेशली जेनेटिक डिजीजेस ज़्यादा हो जाती हैं राइट right? उनके आगे बच्चे 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 तो अगर कहीं पे ऐसा होता ना कि मेटिंग इन ब्रीडिंग ही हो रही है तो ह्यूमन बींग में भी ये आपका अप्लाइड है ह्यूमन बींग में भी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो सक हो जाता है इसलिए बोलते हैं ना कि भाई आउट ब्रीडिंग ही होनी चाहिए है ना यस yes. ओके okay जी तो मतलब Uh, चलो मैं अब आगे कुछ नहीं बोलना चाहती <laughs> है ना मैं बोल रही थी कि uh, uh, क्या कहते हैं इस इस केस में जैसे लव मैरिजेस इज वेरी गुड सोल्यूशन ना राइट <laughs> right? हाँ चल आ जाओ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कैसे होगा कंटिन्यूड कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग होती जा रही है है ना और उसकी वजह से आपके वो जीन्स है ना जो कोई वेरिएशन ही नहीं आ रहा अब वेरिएशन नहीं आएगा तो तुम कैसे इवॉल्व होगे कैसे बदलते हुए हालात के साथ तुम एडजस्ट कर पाओगे है ना यस मैम यस मैम राइट मैम राइट मैम ओके चलो यस yes, तो क्या होगा उससे उससे आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी जैसे कैटल के, के केस में बोलूँ तो दूध प्रोड्यूस करना कम हो जाएगा है ना जी डिक्रीज फर्टिलिटी भी कम हो जाती है बच्चों फर्टिलिटी भी कम हो जाती है एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर ह्यूम ऑल्सो ओके जी चलो यस yes, डिक्रीज Fertility and productivity. एंड प्रोडक्टिविटी दान ठीक है ये इसका डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा बहुत बड़ा अब इसी को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे आउट ब्रीडिंग करते हैं इस ही डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे आउट ब्रीडिंग करते हैं जब मेरे जो कैटल्स हैं जो मेरा एनिमल्स हैं जो मैंने रखे हुए हैं गाय भैंस रखे हुए हैं जब उसको आपने बहुत सारे जनरेशन तक इन ब्रीडिंग करा दी तो बच्चे वो दूध प्रोड्यूस करना बहुत कम कर दिए एंड ऑल्सो इनफर्टिलिटी भी आ जाती है है ना यस yes. <coughs> ओके okay जी चलो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद नाउ आउट ब्रीडिंग ठीक है जी अब इस सब का उपाय क्या है आउट ब्रीडिंग है ठीक है तो आउट ब्रीडिंग तीन तरह का होगा फटाफट से लिख लेते हैं तीन तरह का होगा एक होगा नंबर वन इज नंबर वन इज सबसे पहले देखो आउट क्रॉस वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुकी हूं बस अब लिखना है आउट क्रॉस कैसे था सेम ब्रीड में था लेकिन हमने फैमिली चेंज कर दी थी हमने इंसेस्टर चेंज कर दिए थे हमने अलग यू नो कॉमन इंसेस्टर नहीं लिए थे ठीक है जी तो बस सेम ब्रीड है लेकिन ब्रीड इज सेम मेटिंग इन सेम ब्रीड ब्रीड सेम है बट हमने क्या करा नो कॉमन इंसेस्टर अप टू फोर टू सिक्स जनरेशन चार से छह जनरेशन तक तो कोई कॉमन इंसेस्टर नहीं है भाई बिल्कुल और कॉमन एनसेस्टर नहीं रहेगा तो फिर थोड़े, थोड़ी बहुत वेरिएशन तो आ जाएगी ना तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन ओवरकम हो जाएगा एक क्वेश्चन इस पर बार बार पूछा जाता है कि अगर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कम करना है ओवरकम करना है तो मैं क्या यूज करूंगी आउट क्रॉस यूज करूंगी ठीक है जी चलो मेटिंग इन सेम ब्रीड ब्रीड सेम है बट नो कॉमन एनसेस्टर मैंने तुम्हें बताया था ना दो फैमिलीज बनाई थी हमने एनसेस्टर फॉर फॉर हाउ मैनी जनरेशन फॉर अप टू एटलीस्ट फोर टू सिक्स जेनरेशन तक कोई कॉमन इनका इंसेस्टर नहीं होना चाहिए तभी तो वेरिएशन आएगी और इससे हम क्या करेंगे ज्यादातर यूज होता है किसके लिए ओवरकम करने के लिए यूज टू ओवरकम यह क्वेश्चन पूछा जाता है भाई इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ठीक है और किस लिए हम यूज कर सकते हैं इसको मिल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्टिविटी ठीक है मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इन बीफ कैटल ठीक है मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और growth भी और ग्रोथ भी ग्रोथ भी ग्रोथ इन बीफ कैटल भाई जो लोग बीफ वगैरह खाते हैं उस केस में यस चलो हाँ जी आ जाओ दूसरा दूसरा मैं यहीं पे आपको आउट ब्रीडिंग बताने वाली हूं दूसरा क्या था दूसरा वॉज सेकेंड वॉज कौन से कलर से लिखा है वाइट कलर इसको कुछ किसी और कलर से लिखते हैं लेट्स टेक पर्पल कलर हाँ दूसरा क्या था बच्चे दूसरा था क्रॉस ब्रीडिंग ये आसान है इसमें तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला क्रॉस ब्रीडिंग अब क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगा क्रॉस ब्रीडिंग में सिंपल है अलग ब्रीड लोगे तुम तो, अब वही पग वाली बात नहीं कर रहे हैं हम पग का पग के साथ ही हम मेटिंग नहीं करवा रहे हैं किसी और ब्रीड को ले लेंगे हम विल टेक अनदर ब्रीड लेकिन इसमें तुम्हारा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है तुम्हारे बुक में इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है दैट इज इसको क्या होता है इसको पहले लिख लो मेटिंग बिटवीन मेटिंग इन डिफरेंट ब्रीड्स तो यहां पे तो ब्रीड्स अलग आ गई ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ठीक है स्पीशीज सेम रहेंगी बट ऐसा नहीं करना कि भाई डॉग्स की अगर तुम बात कर रहे तो हो तो ऐसा नहीं होगा बिल्ली के साथ मीटिंग करा दो डॉग की बहुत सारी ब्रीड होती है ठीक है पग है तुम्हारा एल्सेशियन होता है तुम्हारा जर्मन शेफर्ड होता है ऐसा नहीं करना कि मैम क्रॉस ब्रीडिंग में ये करते हैं कि डॉग और बिल्ली का हम मीटिंग करा दें नहीं स्पीशीज विल बी सेम स्पीशीज सेम है जब सेम स्पीशीज़ होती है और डिफरेंट ब्रीड होती है तो उसको क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं आपने स्पीशीज बदलती तो इंटर स्पेसिफिक हो जाएगा ठीक है चलो आ जाओ फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल हिसारडेल फॉर एग्जाम्पल हिसार डेल हिसार डेल किससे बना है यह हिसार डेल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है हमने एक क्रॉस ब्रीड करके एक ब्रीड बनाया है किससे बना था यह दिस वॉज किससे बना था भैया बीकानेरी बीकानेरी यूज बीकानेरी यूज को मेट कर दिया विद विद मेरीनो रैम्स रैम्स क्या होते हैं रैम्स होते हैं मेल्स और यूज होती हैं फीमेल्स ठीक है रैम्स क्या होते हैं मेल्स होते हैं मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शीप होते हैं ये लो ये मेल हो गया अरे ये तो फीमेल लिख दिया मैम आपने ये बच्चे फीमेल होती है और ये होते हैं मेल्स ठीक है तो रैम्स होते हैं मेल्स यूज होती हैं फीमेल्स ठीक है जी चलो इन्हीं के <laughs> मीटिंग करके हमरे क्या बोला हिसार डेल बना दिया याद रखना ठीक है चलो पंजाब में बनाई थी अच्छा अब एक और है इसमें इंटर स्पेसिफिक ठीक है एक और कर लेते हैं दैट इज इंटर स्पेसिफिक इंटर स्पेसिफिक में तो बड़ा ही आसान है स्पीशीज ही हमने अलग कर दी बहुत आसान इंटर स्पेसिफिक स्पेसिफिक ठीक है हाइब्रिडाइजेशन इसका एग्जाम्पल भी तुम सबको पता होगा हाइब्रिडाइजेशन सबको पता है लिख दो बॉक्स में अभी लिख जाना चाहिए फटाफट से तुरंत 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 ठीक है जी चलो लिखो ये क्या है मेटिंग बिटवीन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज दो अलग स्पीशीज के बीच मीटिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज बच्चे जब हम स्पीशीज अलग कर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक नाम से ही पता चल रहा है ये तो मुझे डेफिनेशन भी शायद लिखने की कोई जरूरत नहीं थी बिल्कुल जरूरत नहीं थी फॉर एक्जाम्पल म्यूल फॉर एग्जाम्पल म्यूल किसके बीच में कराया मेट अपने गधे और घोड़े के बीच में मेट कराया बट दिस इज टेराइल जब आप इस तरह की चीजें करते हैं ना तो तुम्हें प्रसाद भी वैसा ही मिलता है फल भी वैसा ही मिलता है दिस इज टेराइल दिस इजराइल ओके डान हाँ वही अपने आपको भगवान नहीं समझना चाहिए तो तीन आपके हो गए दीज आर द्री टाइप्स ऑफ आउट ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग हमने कर ली ठीक है और ये तीन तरह की आपकी ब्रीडिंग थी इसके बाद भी और भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा लेना या फिर एमओ टी एमओ टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट यस बच्चे डोंकी एंड हॉर्स का है ठीक है जी चलो आ जाओ आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंसैमिनेशन भी कर सकते हैं हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या फ़ायदा है ये फायदा है कि मान लो तुम्हारा जो तुम्हारा जो सुपीरियर मेल है सुपीरियर मेल कहाँ है पंजाब में है मान लो सुपीरियर मेल है पंजाब में और जो सुपीरियर फीमेल है वो कहाँ महाराष्ट्र में है ठीक है अब भाई क्या करेंगे या तो उस मेल को लेकर आए तब मीटिंग कराएंगे या फिर एक और तरीका है कि हम उसके सीमेंट निकाल लें और सीमेंट को स्टोर कर लें और वो भेज दें वो बढ़िया तरीका नहीं है वो ज़्यादा बढ़िया तरीका है है ना तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ये फायदा हो जाता है कि कहीं पर भी आप सुपीरियर मेल के जो जीन्स हैं ठीक है सुपीरियर मेल के जो स्पम्स हैं वो पहुंचा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी यू डोंट नीड टू कैरी द होल एनिमल टू दैट प्लेस फिजिकली और वहाँ पे मेटिंग करवाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है वैन यू हैव द स्पम्स वेन यू हैव द दीमन ऑफ द सुपीरियर मेल ये फायदा हो जाता है ये फायदा हो जाता है और आप उसको काफी टाइम तक फ्रीज भी करके रख सकते हो है ना जब तक आपको ये नहीं जब तक आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो जब तक आप देख रहे हो कि अच्छा इससे बेटर कोई मिल जाए मिल जाए उसमें भी टाइम लगता है तो तब तक आप उसको स्टोर करके रख सकते हो जिसको भी जरूरत है उसको आप दे सकते हैं दैट इज द बेनिफिट ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यस ठीक है yes? जी चलो चलो आ जाओ हाँ ऑल राइट यस तो आर्टिफिशियल इंसैमिनेशन ये हो गया सीमेन कलेक्ट करोगे फ्रॉम द मेल सुपीरियर मेल से और फिर उसको इंजेक्ट कर दोगे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में दिस इज आर्टिफिशियल इंसैमिनेशन ठीक है ओके तुम तुमने देख भी लिया ये प्रोसेस ओके okay. चलो बढ़िया बात है बढ़िया बात है एडवांटेज क्या होता है इसका क्वेश्चन इस पर पूछा जाएगा कि एडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज क्या है एडवांटेज यही जो मैंने बताया कि कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो डिस्टेंस का कोई डिस्टेंस इज नॉट अ लिमिट डिस्टेंस इज नॉट अ लिमिटेशन सबसे पहले लिख लो डिस्टेंस नॉट अ लिमिटेशन तो तुम डिस्टेंस का बहाना अब नहीं लगा सकते ठीक है ये कोई लिमिटेशन नहीं है दूसरी चीज जो यहां पे अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट है इज दैट की इट कैन बी यूज इमीडिएटली तुरंत आप यूज कर सकते हो देखो बच्चों क्या होता है ना कि अगर आप मीटिंग करा रहे हैं ना फिजिकली तो ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई तुमने आ, सुपीरियर मेल लाए सुपीरियर फीमेल लाए और बस मीटिंग हो जाएगी ऐसा नहीं होता ना इन दिस केस यू डोंट हैव टू वेट आप इमीडिएटली फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में उसको इंजेक्ट कर सकते हो ठीक है जी तो ये फायदा भी है इसका आ जाओ देखिये यूज कैन बी यूज लिखो कैन बी यूज कैन बी यूज इमीडिएटली इमीडिएटली वेट नहीं करना क्या वेट नहीं करना आपको ठीक है आप तुरंत यूज कर सकते हो या फिर इसको फ्रोजन रख सकते हो और कैन बी केप्ट इन फ्रोजन स्टेट फ्रोजन फॉर लेटर यूज बाद में भी आप यूज कर सकते हो डिसएडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज भी है इसका इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्या है डिसएडवांटेज ये है कि भाई सक्सेसफुल नहीं होता लो सक्सेस रेट है यहां पर ठीक है क्या है लो सक्सेस रेट है यहां पर तो ये याद रखना भाई क्वेश्चन ये ये पूछा जाता है ज़्यादातर वाला क्वेश्चन आया आया हुआ हुआ है है बहुत बार आया हुआ। ये वाला क्वेश्चन कि भाई बताइए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या बुराई है कौन सी चीज ठीक नहीं है कि हम क्यों क्यों ये बहुत बढ़िया नहीं है हमारे लिए इज बिकॉज यहाँ पे लो सक्सेस रेट होता है डन ठीक है जी चलो आगे बढ़े आगे बढ़े एमओ कर ले ओ बड़ा इंपॉर्टेंट है एमओ पे क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है एम ओ ई टी क्या है एमओ ई टी में हम जो हमारी काउ है जो हमारी सुपीरियर फीमेल है सुपीरियर कैटल है उसको हम क्या कर रहे हैं बच्चे उसको हम दे रहे हैं कुछ हार्मोन देने वाले हैं जिससे कि क्या होगा जिससे कि वो बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करने वाली है नॉर्मली एक प्रोड्यूस होता है नॉर्मली एक प्रोड्यूस एक होता है है ना लेकिन जब हम उसको ये हार्मोन दे देंगे दे ना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के जैसे केमिकल्स उसको दे देंगे दे, तो वो क्या करेगी बहुत सारे मल्टीपल ओव्यूल बनाएगी सॉरी ओव्यूल बोल रही हो मल्टीपल एग्स बनाएगी ठीक है सुपर ओव्यूलेशन हो जाएगा सुपर ओव्यूलेशन तो बहुत सारे एग्स बन जाएंगे छह से आठ एग बन जाते हैं राइट right? अब एक बार में इनिशियली ओरिजिनली वो जो आपकी सुपीरियर फीमेल थी वो सिर्फ एक बच्चा पैदा कर सकती थी अब क्या हुआ अब एक ही सुपीरियर फीमेल से आप सात आठ बच्चे आगे पैदा कर सकते क्योंकि इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एग उसने अब छः, सात आठ एग बनाना शुरू कर दिया है ओके चलो लिखे इसको मल्टीपल ओव्यूलेशन मल्टीपल शन एम्ब्रियो ट्रांसफर एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक या टेक्नोलॉजी लिख लो जो भी तुम्हारा मन कर रहा है लिख लो इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं इसको हम यूज करते हैं हर्ड इंप्रूवमेंट एक बार में देखो एक बार में तो वो एक ही बच्चा पैदा करने वाली थी लेकिन अगर तुम ये यूज करते हो ना तो एक बार में वो बहुत सारे बच्चे बना सकते हो आप तुम बोलोगे कि मैम फिर वो क्या वो सारे सारे बच्चे जो एम्ब्रियो बन जाएंगे जो आपने बोला कि आठ मान लो वो आपके एग बन गए और आठ एग फर्टिलाइज हो गए तो आठ एम्ब्रियो बन गए तो मैम वो क्या उसी सेम सुपीरियर फीमेल के अंदर ही ग्रो करेंगे नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता बच्चों ये तो पॉसिबल नहीं है कि आठ के आठ बच्चे वहीं पर ग्रो करें है ना नहीं तो हम क्या करते हैं हम उसको रिमूव कर लेते हैं जब एम्ब्रियो बन जाता है ना एम्ब्रियो बन जाता है तो जैसे कि मान लो जब थर्टी टू आठ से थर्टी टू स्टेज का एम्ब्रियो बन गया तो हम उसको रिमूव कर लेंगे रिमूव करके हम उसको सरोगेट मदर के अंदर डाल देंगे वो वाली फीमेल्स जो सुपीरियर नहीं हैं लेकिन बच्चा तो वो भी पैदा कर सकती है ना ठीक है बच्चा तो वो भी पैदा कर सकती हैं वो एनवायरमेंट तो वो भी प्रोवाइड कर सकती हैं उससे क्या होता है कि जो हमारी सुपीरियर फीमेल है वो अगले राउंड के लिए तैयार हो जाती है सो सुपीरियर फीमेल को हम बच्चे को ग्रो करवाने के लिए नहीं यूज करेंगे उसको हम सिर्फ और सिर्फ एग बनवाने के लिए यूज कर रहे हैं समझ में आई समझ में आई ये बात हाँ बोलो समझ में आई ये बात हाँ जी तो अगर आपको हर्ड का साइज इंप्रूव करना है तो ये वाला जो मेथड है वो सबसे बेस्ट रहता है किस लिए यूज होता है दिस इज यूज फॉर हर्ड improvement, अरे अरे ठीक है चलो जाओ बढ़ते हैं आगे ठीक है चलो तो हम लिख दें जरा इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं हर्ड इम्प्रूवमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं बच्चों अब इसके स्टेप्स देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा फर्स्ट स्टेप इज आपने सुपीरियर फीमेल ली फ्लो चार्ट में करा रही हूं सुपीरियर फीमेल ली ठीक है सुपीरियर फीमेल को आपने क्या दिए हॉर्मोन्स दिए कैसे हॉर्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जैसे हॉर्मोन दिए सो यू विल प्रोवाइड हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स कौन से विद एक्टिविटी -like activity. Activity. अब ऑब्वियसली क्या होगा इतना वन हो, हो, तो एक नहीं प्रोड्यूस करेगी बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस कर देगी सुपर ओव्यूलेशन हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा सुपर ओव्यूलेशन हो जाएगा भाई इसमें वो कितने एग्स बना देगी सिक्स टू एट एग्स बन जाएंगे पर साइकिल पहले सिर्फ एक एग बन रहा था अब छः से आठ एग बन जाएंगे इसके बाद क्या होगा <coughs> इसके बाद <coughs> इसके बाद देखो <coughs> आप कराएंगे मीटिंग <coughs> ठीक है इसके बाद क्या होगा मीटिंग होगी या फिर आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करा सकते हैं आर्टिफिशियल मर्जी है <coughs> इंसेमिनेशन भी करवा सकते हैं ठीक है दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना अब क्या होगा भाई अब क्या होगा <coughs> अब बच्चे जो आपके फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब एम्ब्रियो भी बनेगा तो एम्ब्रियो जब आपका या फिर एग जब आपका एट टू थर्टी टू सेल स्टेज पे पहुंच जाएगा तो हम उसको रिमूव कर लेंगे ठीक है तो हम उसको क्या करेंगे रिमूव कर लेंगे राइट सो यू विल राइट फर्टिलाइज एग एग्स एट 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 टू थर्टी टू सेल स्टेज पे हम इसको रिमूव कर लेंगे और रिमूवड रिमूव कर लिया अब रिमूव करके कहा करोगे ट्रांसफर कर दोगे किधर ट्रांसफर किधर सरोगेट मदर में सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर दिया और जो आपका और जो आपका ये सुपीरियर फीमेल है दिस इज अगेन अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ अनदर राउंड ऑफ सुपर ऑप्यूलेशन ठीक है ऑब्वियसली एनिमल को बच्चे तकलीफ तो होती है इस प्रोसेस में ये मैं तुम्हें जरूर बोलना चाहूंगी लेकिन अब क्या बोलू ठीक है वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें हम शायद अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं और एनिमल्स के बारे में इतना नहीं सोचते तो यस एनिमल को इसमें तकलीफ होती है ठीक है यस हाँ जी ओके चलो <coughs> और अब मैं बैठ जाती हूँ क्योंकि इससे पहले भी ना मैं लंच का प्रिपरेशन करके आई थी और तब भी मैं खड़ी थी इतना ज़्यादा मैं एक साथ आई कैन नॉट स्टैंड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम यू नो दैट हाँ जी चलो ठीक है हाँ सो so, यस yes, मैं ये जरूर मैंशन करना चाहती थी कि एनिमल को तो तकलीफ होती देखो यार जब आप इवन बच्चों इवन बच्चों वो कपल्स वो कपल्स जिनको <coughs> बच्चे नहीं होते ठीक है वो भी अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं तो जो फीमेल होती है ना ह्यूमन में भी बच्चे बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है ठीक है बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है इट इज नॉट ईजी यस और चाहे कैसा भी केस हो कुछ भी हो ह्यूमन के ह्यूमन बींग के केस में हो कैटल के, के केस में हो वो तकलीफ जो होती है ना सारी वो झेलनी किसको पड़ती है फीमेल को ही झेलनी पड़ती है यस yes, हाँ <coughs> चलो जी आ जाओ <coughs> हाँ करेक्ट करेक्ट यस बच्चे ठीक है बट ठीक है विल पावर भी फीमेल्स का बहुत ज्यादा होता है ठीक है uh, तो इसको ऐसे नहीं सोचना है विल पावर भी भगवान ने फीमेल्स को भर भर के दिया है यस ठीक है ये सो यू गो गर्ल्स अब एमओ हमने क्यों यूज करा था हर्ड इंप्रूवमेंट के लिए यूज करा था इससे क्या होगा हाई मिल्क यील्डिंग एंड हाई क्वालिटी मीट भी आपको मिलेगा एमओ हम किसके लिए यूज कर चुके हैं यस yes. <coughs> किसके लिए यूज कर चुके हैं एमओ टी एमओ हैज बीन यूज केस ऑफ कैटल ऑब्वियसली कैटल इनकेस ऑफ शीप शीप रैब्स रैबिट्स बफलोज ऑब्वियसली बफलोज भी आ जाएंगे है ना और क्या है तुम्हारे मेयर्स uh, केस में हम यूज कर चुके हैं ये वाला तरीका अच्छा एक और चीज यहाँ पर लिखो इसकी वजह से क्या हुआ है इसकी वजह से हमने क्या इंप्रूव करा है हाई कैटल्स की बात करूँ तो हाई मिल्क येल्डिंग, आपको गाय भैंस मिल जाती हैं एंड हाई क्वालिटी हाई क्वालिटी आपको मीट मिलता है ठीक है हाई क्वालिटी आपको मीट मिल जाता है ना चलो <coughs> <coughs> आ जाओ अब एक बहुत ही क्या बोलूँ कैंडी एक बहुत ही कैंडी टॉपिक है बी कीपिंग मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हें बोलूँ ये अपने आप कर लेना अब बी कीपिंग भी करवाएंगे क्या हम जिसको एपीकल्चर बोलते हैं इसको बोलते हैं एपी कल्चर ठीक है जी अब भाई मधुमक्खी का जो पालन होता है उसको हम बोलते हैं एपीकल्चर एपीकल्चर में आपकी जो कॉमन बी स्पीशीज़ है वो कौन सी है ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज एपिस इंडिका एपिस इंडिका कॉमन बी स्पीशीज है इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा अब बी कीपिंग में तुम्हें क्या मिला शहद तो मिल ही रहा है ठीक है हनी मिल रहा है हनी के साथ बी वैक्स भी मिल रहा है हनी के साथ साथ क्या मिल रहा है बी वैक्स भी मिल रहा है ओके okay, और क्या मिल रहा है हनी मिल रहा है बी वैक्स भी, 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 भी मिल रहा है ठीक है बीज वैक्स भी मिल रहा है हनी को तो आप कंज्यूम कर सकते हो हनी क्या है इसमें बड़ा ही न्यूट्रिशन होता है न्यूट्रिटिव होता है इसको हम यूज करते हैं मेडिसिनल वैल्यू भी है देखो तुम जितनी भी जो हमारी देसी दवाइयाँ होती हैं आयुर्वेदिक दवाई होती है उसमें ज़्यादातर ना हनी का यूज होता है उसमें ज्यादातर क्या होता है हनी का यूज होता है तो इट हैज मेडिसिनल वैल्यू भी है इसका है ना बीज वैक्स को क्या करते हैं हम फेंक देते हैं नहीं फेंकते नहीं है बीज वैक्स को हम यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स में क्रीम्स बनाने के लिए ठीक है वैक्स बनाने के लिए, बनाने के के लिए लिए पॉलिशेस यूज कर लेते हैं हम और कॉमन जो बी के पॉलिनेटर्स हैं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि तुम्हारी किताब में दिया हुआ है क्योंकि तुम्हारी किताब में दिया हुआ है यस ओके यस कि भाई जो बीज है वो कॉमनली किस को करती हैं एक और फायदा ना इनका बीज एज पॉलिनेटर पर किसको पॉलिनेट करेंगी ज्यादातर यार बहुत सारे प्लांट को करती हैं लेकिन तुम्हारी किताब में जो दे दिया ना वो तो जरूर याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेंगे जैसे कि सनफ्लावर ठीक है जैसे कि ब्रासिका ठीक है जी जैसे कि एप्पल ओके एंड जैसे कि पैन ये याद रख लेना और भी होते हैं लेकिन किताब में जो दिए हैं वो तो हम नहीं भूलेंगे ठीक है जो किताब में दिए हैं वो हम नहीं भूलेंगे ठीक है अच्छा निश्चय को देखो बोल रहा है मैम ये आपके लिए है वैक्स. अच्छा निश्चय तुम क्रीम नहीं लगाते हैं तुम तुम्हारा जीवन ऐसे ही चल रहा है बिना मतलब मॉइस्चराइजर के सर्दी होती है तो बिल्कुल फटी हुई स्किन हो जाती है इसकी ये ये नहीं लगाता है ये क्रीम नहीं लगाता मतलब ये कितना ज्यादा जेंडर बेस्ड एक कमेंट है कि मैम ये आपके लिए है क्योंकि मैम फीमेल है तो मैम ही क्रीम लगाती होंगी मैम सारा दिन यही करती होंगी मैम बस आईने के सामने बैठ के बस क्रीम लगाती होंगी तभी तो मैं तुम्हें तो पढ़ा पाती हूँ बिल्कुल सही बात है भाई यही तो काम करती हैं सारी फीमेल टीचर्स सारा दिन आईने के सामने बैठ के अपने फेस पर क्रीम रगड़ती रहती हैं है ना यही तो हमारा काम है हमें और कुछ तो है नहीं ना तो हमें घर का कोई काम है ना हमें तुम्हारे लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ भी नहीं करना हमें तो है ना हाँ <coughs> हे भगवान भाई क्या क्या तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है फीमेल टीचर है तो उसको ये बोल दो है ना अगर मेल टीचर होता तो उसको नहीं बोलते तुम कि ये आपके लिए है क्रीम वगैरह कम ऑन यार <coughs> फिशरीज फिशरीज नहीं 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 ये मैं, मैं सच में सीरियसली ये पता क्या हाँ मैं इस चीज़ पे बच्चों मैं रिएक्ट करूंगी बिकॉज आप आप खुद ही देखो अगर कोई मेल टीचर ये चीज़ पढ़ा रहा होता क्या आप उसको बोलते कि क्रीम आपके लिए है है ना ऐसे नहीं बोलते ना आप क्योंकि फ़ीमेल टीचर पढ़ा रही है तो आपने सोचा चलो बोल देते हैं दीज आर द वेरी स्मॉल थिंग्स जो हमारे सोसाइटी में हम जहाँ रह रहे हैं वो शुरू से ही हमारे अंदर डाल दी गई हैं कि ऐसा ही होता है है ना ऐसी छोटी छोटी चीजों को बच्चों इग्नोर करा करो छोटे छोटे कमेंट्स में भी ना आपका वो क्या बोते हैं जेंडर वाइज आप लगते हैं मत करा करो ओके चलो नेक्स्ट <coughs> अरे भाई पूरा चैप्टर आज होगा कितनी बार बोलूँ बैठी हूँ ना यहाँ पे पढ़ा रही हूँ ना चलो फिशरीज आ जाओ फिशरीज में क्या आएगा फिश आ जाएंगे फिशरीज में आप क्या क्या ग्रो करेंगे किस किस चीज का पालन करेंगे तो यहाँ पे फिश आ जाएंगी प्रॉन्स आ जाएंगे ठीक है और क्या जाएगा? आ जाएगा क्रैब आ जाएगा लॉबस्टर आ जाएगा क्रैब आ जाएगा लॉबस्टर आ जाएगा लॉबस्टर आ जाएगा और क्या जाएगा आ जाएगा भाई एडिबल ऑयस्टर आ जाएगा ठीक है सारे ऑयस्टर को तुम खा नहीं सकते हो एडिबल ऑयस्टर आ जाएगा ये सब फिशरीज में आ जाते हैं फिशरीज में सिर्फ फिश नहीं आती फिशरीज में ये सब आते हैं इन सब का पालन किया जाता है ठीक है इन सब का पालन किया जाता है अब देखो क्वेश्चन बच्चों ये आता है सारी इधर उधर की बातें छोड़ दो कि फिशरीज में क्या है क्या नहीं है क्वेश्चन सिर्फ एक पूछा जाता है फ्रेश वाटर कौन सी है वाटर कौन सी है बस क्वेश्चन यही पूछा जाएगा और कोई तुमसे कुछ और नहीं पूछने वाला फ्रेश वाटर कौन सी है फ्रेश वाटर का जो मेरा ट्रिक है दैट इज सी आर सी तुम्हारा कोई और ट्रिक है तो बता देना मुझे तो कैटला है कैटला कैटला जिसको तुम बोलते हो रोहू है ओके एंड कॉमन कार्प है okay? कॉमन कार्प है दिस इज फ्रेश वाटर अब मेरीन वाटर कौन सी है यही क्वेश्चन पूछा जाता भाई यहां से मरीन वाटर कौन सी है मेरीन वाटर कौन सी है मरीन वाटर है आपकी हिलसा अच्छा कोई मैंने कलर ये यूज करा सॉरी हिलसा मैं इसका भी ट्रिक दूंगी तुम्हें अभी हिलसा सार्डीन छोटी छोटी फिश होती है छोटी सी फिश होती है मैकरल मैकरल ठीक है एंड पॉम्फ्रेट एंड पॉम्फ्रेट अब भाई इसका ट्रिक क्या है हिज मां हिज मां एंड पा मतलब मॉम एंड डैड तो हिज एच आई से हो गया हिल्सा एस से हो गया साडीन एम ए मां से हो गया मैकुरल पी ए से हो गया पॉम ठीक है जी याद हो जाएगा याद हो जाएगा यस yes. याद हो जाएगा येस दे आर गुड सोर्स ऑफ ओमेगा एंडफैटिक एसिड बिल्कुल 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 हाँ जी चलो ओके डन 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 हिज मा एंड पा से हो जाएगा तुम्हारा मेरीन वाला डन जी ओके okay. अच्छा एक एक तुम्हारी बुक में टर्म दी हुई है एक्वा कल्चर एक टर्म दी हुई एक्वा कल्चर और दूसरी दी हुई है पिसी कल्चर दोनों में क्या फर्क है दोनों में क्या फर्क है एक्वाकल्चर एंड पिसी कल्चर में क्या फर्क है एक्वाकल्चर कल्चर। आप मुझे पिस ऑफ मत कर देना इसकी डेफिनेशन बताते हुए बताइए एक्वाकल्चर में एक्वा कल्चर में बच्चे आप पता क्या आप प्लांट्स को भी ग्रो कर रहे हो यहाँ पे सिर्फ हम ये जो मैंने नाम दिए थे ना यहाँ पे इनको ग्रो नहीं करें सिर्फ इनको नहीं ग्रो करें यहाँ पे हम प्लांट्स को भी ग्रो करें तो एनिमल्स के साथ प्लांट को भी ग्रो करना इज़ एक्वाकल्चर सब कुछ आ गया इसमें पिसी कल्चर में आप सिर्फ एनिमल्स को ग्रो कर रहे हो ज्यादातर से फिश ठीक है एक्वाकल्चर में क्या आ गया यहाँ पे आप किस किस को ब्रीडिंग एंड रेअरिंग ऑफ एक्वाटिक फ्लोरा एंड फोना दोनों आ गए दोनों के दोनों आ गए पिसी कल्चर इज यू नो मोस्टली फॉर फिश ओनली तो वी विल राइट ब्रीडिंग रेयरिंग ग्रो करना रेयरिंग इज ग्रो करना ऑफ एक्वाटिक फ्लोरा एंड फोना दोनों आ जाएंगे फ्लोरा एंड फोना दोनों आगे प्लांट भी आ गए एनिमल भी आ गए लेकिन यहां पे क्या है ओनली फिश ठीक है यहां पे सिर्फ फिश आ जाती है उसको हम बोलते हैं पेसीकल्चर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्वाकल्चर एंड पेसीकल्चर एंड जो फिशरी इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया उसको हम बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन क्योंकि अभी मैं ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करने वाली हूं ब्लू रेवोल्यूशन क्या है ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश इंडस्ट्री ठीक है फिश इन डस्ट्री और अब हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की क्योंकि हमने अभी ब्लू रेवोल्यूशन की बात करी तो अब हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की ठीक है जी चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ प्लांट ब्रीडिंग की बात करेंगे ठीक है और उसके साथ साथ मैं ग्रीन रेवोल्यूशन की भी बात करूंगी राइट right. ओके okay. चलो पहले ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं फिर हम शुरू करेंगे प्लांट ब्रीडिंग से यस एवरीबडी एक्साइटेड जोश दिखा दो बच्चों थोड़ा सा थोड़ा सा जोश यस यस मैम वी आर रेडी अभी हमने एक पार्ट खत्म कर लिया चैप्टर का अब दूसरे पार्ट पे हम चल पड़े हैं एक पार्ट खत्म हो गया चैप्टर का अब हम बात करेंगे एनिमल्स की बात होगी अब हम प्लांट की बात करेंगे यस 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 ओके आर यू रेडी आर यू रेडी हाँ जी बच्चों बिल्कुल बिल्कुल ऐसे फायर वाले इमोजी बन जाए ऐसे ये, स्ट्रोंग वाले स्ट्रेंथ वाले इमोजीज बन जाए सो दैट आई कैन ऑल्सो सी ना कि मेरा बच्चा बिल्कुल एकदम तैयार है येस yes. <laughs> एकदम तैयार है वेरी गुड वेरी गुड लविंग द एनर्जी इन द चैट बॉक्स लविंग द एनर्जी इन द चैट बॉक्स ग्रेट बच्चो ग्रेट 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 दैट इज द वे टू गो वेरी गुड वेरी गुड हाँ जी ग्रीन okay. रेवल्यूशन ठीक है ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन में पहली चीज जो मैं तुमसे पूछूंगी इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड कौन है कौन है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड जब मैं ये वाला टॉपिक पढ़ाती हूँ तो मेरे को एक मेरी बड़ी अच्छी मेमोरी है वो याद आ जाती है बहुत बहुत ब्यूटीफुल मेमोरी नॉर्मन ई बर्लॉग वेरी गुड एब्स ओके वेरी गुड एब्स अब तुमने एब्स ये शायद वही जो एब्स होते हैं पेट वाले वही लिखा है या आई डों पता नहीं क्या लिखा है ठीक है चलो लिखते हैं ओके okay, चलिए जी फादर बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन पूछा है मैंने तुमसे फादर ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन जी आर लिख दू ठीक है इन वर्ल्ड कौन है जी नॉर्मन बर्लॉग ठीक no है जी अच्छा ये इंडिया में कौन है इंडिया में कौन है इंडिया में कौन है बच्चों फटाफट से बताओ इंडिया में कौन है वेरी इंपॉर्टेंट वेरी गुड देवदीप एम uh, एस स्वामीनाथन वेरी गुड एम एस स्वामीनाथन एम एस स्वामीनाथन ठीक है आई हैव मेट हिम मैं इनको मिल चुकी हूँ मैं इनको मिल चुकी हूँ बहुत ही हम्बल बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी यस जब मैं पी कर रही थी तो हमारे यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस था उसमें ही वॉज इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट एंड ही वॉज सो नाइस उन्होंने हमें बुलाकर हमारे साथ फ़ोटो वोटो खिंचवाया और इट वॉज़ ये दिन मुझे याद रहेगा ठीक है हाँ जी ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा स्क्रीन ब्लर बल, कैसे हो गई भाई निशु ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हाँ जी बताया था मैंने पहले हाँ ओके चल तो बच्चों इन्होंने कैसे आ, काम करा वैसे आज के सेशन में चलो इतना टाइम है नहीं मेरे पास नहीं तो मैं आई वुड हैव टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ एम एस एम एस स्वामीनाथन वॉट मूवड हिम वॉट यू नो ड्रोव हिम टू दिस प्लांट रीडिंग वगैरह के लिए कैसे इन्होंने काम करना शुरू करा अच्छा चलो बताई देती हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्कोरिंग नंबर बायो या कोई भी पढ़ाई सिर्फ नंबर स्कोर करने के लिए नहीं होनी चाहिए अगर कोई साइंटिस्ट ऐसा है जिसका बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है तो आपको पता होना चाहिए एम एस स्वामीनाथन वॉज नॉट अ बॉटनिस्ट पहली चीज ही वॉज नॉट अ बॉटनिस्ट ही वॉज अ जोलॉजिस्ट आपको पता है जोअलॉजिस्ट थे तो तुम सबको कैसे जोलॉजी बड़ी अच्छी लगती है लेकिन देखो इनकी लाइफ स्टोरी सुनोगे ना तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा ही वॉज़ अ जोलॉजिस्ट बट ही विजिटेड कैलकटा कैलकटा विजिट कर रहे थे उस टाइम पे बच्चों इंडिया में सबसे बड़ा फैमीन चल रहा था ठीक है भूख मरी एकदम बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको फैमीन को हिंदी में क्या बोलते हैं यार देर देर इज़ अ वर्ड क्या बोलते हैं बच्चे बता दो प्लीज़ बताना मुझे ज़रा मैं भूल गई वर्ड भूल गई हिंदी का वर्ड भूल गई ठीक है भूखमरी नहीं होता भूख अकाल वेरी गुड यस थैंक यू थैंक यू अकाल पड़ रहा था एंड दैट इज़ दैट वॉज द वर्स्ट अकाल जो इंडिया ने फेस करा था तो ही वॉज विजिटिंग कैलकटा और तब उन्होंने देखा कि कितना बुरा हाल हो रहा है लोगों का सिर्फ इसलिए कि हमारी कंट्री में खाना इनफ नहीं बन रहा है तो दैट टाइम ही डिसाइडेड कि मैं प्लांट्स में या फिर मैं बॉटनी में काम करने वाला हूँ मैं प्लांट्स के लिए काम करने वाला हूँ मैं प्लांट ब्रीडिंग करने वाला हूँ मैं जेनेटिक्स पे काम करने वाला हूँ तब इन्होंने अपना फील्ड चेंज करा एंड ही स्टार्टेड लर्निंग अबाउट प्लांट ब्रीडिंग ठीक है बाहर गए अपने आप को सिखाया और फिर प्लांट ब्रीडिंग करके इंडिया में इंट्रोड्यूस करी हाई यील्डिंग येराइटीज़ यस ठीक है हाँ जी तो इंडिया में इंट्रोड्यूस करी हाई यील्डिंग वेराइटीज़ दे ये इनका ये इनका बैकग्राउंड है तो आई थिंक दिस इज वर्थ मैंशनिंग ऑब्वियसली नीट में तो नहीं आएगा लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ठीक है जी तुम्हें पता होना चाहिए सो so, नॉर्मल बिल्लॉग ने क्या करा नॉर्मल नॉर्मल बिल्लॉग ने बनाई थी हाई येमी सेमी ऑफ वेराइटीज क्या बनाई थी सेमी डु ऑफ वेराइटीज बनाई थी कैसी थी ये हाई यंग थी हाई यील्डिंग थी वैसे तो मेरे पास इनकी भी एक स्टोरी है बट चलो कोई बात नहीं फिर तो तुम बोलोगे मैम आप लेकिन बच्चों तो साइंटिस्ट की स्टोरी सुनने में तो तुम्हें इंटरेस्ट होना चाहिए नॉर्मन वर्लॉग ने कैसे वो वेराइटीज़ बनाई थी दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी चलो एनी वे तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस होता नहीं है तो भाई हमने वीट का प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बढ़ा दिया कितना बढ़ा दिया रे वीट का प्रोडक्शन हमने बढ़ाया Uh, अगर मैं बात करूं 1960 से 1960 से 1960 से 2000 तक की बात करूं साल तो हमने वीट का प्रोडक्शन बढ़ा दिया 11 मिलियन टन से मिलियन टन से 75 मिलियन टन तक बढ़ा दिया अगर मैं बात करूं राइस की ठीक है अगर मैं बात करूं राइस की अगर मैं बात करूं राइस की, अगर मैं बात करू, राइस की तो इसका प्रोडक्शन हमने कितना बढ़ाया बच्चों वही सेम 1960 से 2000 तक 35 मिलियन टन से हमने बढ़ा दिया 89.5 मिलियन टन दिस अ वेरी वेरी बिग यू नो जंप बहुत बड़ा जंप था और ये किसकी वजह से हुआ इन हाई वैराइटीज की वजह से हुआ किसकी वजह से हुआ हाई यहाँ ठीक, ठीक है जी एंड ऑफ द क्लास चलो ठीक है जब क्लास खत्म होगी तो मुझे याद दिला देना आई विल टेल यू कि भाई इन्होंने कैसे uh, कैसे इनको आइडिया आया कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए ऐसे सेमी ऑफ वेराइटीज मुझे बनानी चाहिए है ना चल ये हो गया है ना अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताऊंगी ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज अच्छा उससे पहले ना उससे पहले हम लोग क्या करेंगे <coughs> चलो पहले एग्जाम्पल बना लेते हैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्योंकि सीधा क्वेश्चन आता है इस पर हाई यील्डिंग वेराइटीज वीट की किसकी बच्चे पहले हम किसकी लिखेंगे वीट की लिख देते हैं पहले ठीक है गेहूं की लिखेंगे, लिखेंगे? लिखेंगे सबसे पहले वीट की वीट की हाई यील्डिंग वेराइटी में कौन सा आएगा देखो जहां पे तुम्हें सोना सोना दिखता है ना सोना सोनालिका कल्याण सोना वो क्या है वीट की है सोनालिका एंड कल्याण सोना ये दोनों किसकी हैं वीट की हैं भाई बहुत जरूरी क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जा चुका है बहुत बार पूछा जा चुका है ठीक है चलो अब हम आगे चले चलो जी वीट की होगी तो राइस की भी लिखेंगे बिल्कुल लिखेंगे रास राइस की थी जया एंड रत्ना ठीक है ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा जया एंड रत्ना या फिर तुम मुझे बता देना तुम्हारी कोई ट्रिक है तो मेरी वीट की तो है मैं मैंने ऐसे याद रखी है सोना सोना जहाँ आया वो है वीट जया एंड रत्ना की बात करते हैं हम बच्चे याकूब एक प्ले क्रिएट करी हुई है सारे टीचर्स की क्री, करी हुई है क्रिएट आपको मिल जाएगी मतलब मेरे नाम से है बाकी जो टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं उन सब के नाम से भी है मिल जाएगी आपको मिल जाएगी ठीक है चलो अब भाई एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि ये जो राइस की वेराइटीज थी जो हमने बनाई ये राइस की वैराइटीज़ जो हमने बनाई थी ये हमने इसका जो सोर्स था वो हमने कहाँ लिया था कहाँ से लिया था कहीं ना कहीं से तुमने ब्रीडिंग करी होगी ना कहीं से कहीं ना कहीं से तुमने प्लांट लिए होंगे जीन्स लिए होंगे वो कहाँ से लिए थे ठीक है वो कहाँ से लिए थे वो आपने लिए थे बच्चे ये बनी हुई है ये बनी हुई है ये दोनों हमने कहाँ से ली आई आर एट ठीक है आई आर एट बोले तो इंटरनेशनल ये आई आर एट वेराइटी का नाम है वेराइटी का नाम ये कहाँ से लिया आपने ये आपने ली फिलीपींस से ठीक है फिलीपींस के कौन से इंस्टीट्यूट से ली इंटरनेशनल ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी इंटरनेशनल इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है यहां से ली थी हमने एक तो हमने यहां से ली थी दूसरी हमने कहा दो दो चाहिए होती ना दो हैं तुमने दो बनाई है जया और रत्ना बनाई है तुमने तो दूसरी कहां से ली तुमने ली नेटिव दिस इज द वेराइटी हम वहां से लेकर आए और हमने क्या बनाया ये कहां से आई थी ये ताइवान से ली थी तुमने ये कहा से ली थी ताइवान से ली थी तो ये याद रखना है भाई ये तो याद रखना ही रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि वट वॉज द सोर्स ऑफ जया एंड रत्ना वट वॉज द सोर्स ऑफ जया एंड रत्ना आई आर एट कहाँ से ली फिलिपीन से ली थी एंड ताइचुंग नेटिव वन कहाँ से ली थी ताइवान से ली थी ये याद रहेगा ये याद रहेगा ओके चलो अब हम बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग की कि हम क्यों कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग क्या स्टेप्स होते हैं प्लांट ब्रीडिंग क्यों कर रहे हैं ये तो तुम्हें पता है कि हमें हाई यील्डिंग वेराइटीज बनानी है हमें डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज बनानी है हमें इम्प्रूव क्वालिटी करनी है हमें पेस्ट रेजिस्टेंट यू नो वैराइटीज बनानी है वो तो ठीक है ठीक है जीरा राइस अरे वाह क्या बात है जीरा राइस बोल रहा है बच्चा की ट्रिक है यार क्या बात है क्या बात है मैं तुम्हारा ये ट्रिक चुरा रही हूं जी रा राइस ग्रेट यार ग्रेट ठीक है या फिर ये जिसका भी ट्रिक है अगर आपने भी कहीं और से लिखा है उसको भी मेरा थैंक यू ये तो बहुत अच्छा ट्रिक है भाई जीरा राइस क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है, क्या बात है? ओके हैप्पी बर्थडे रंजू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे ओके चलो बहुत मेहनत करनी है इस चीज़ों में ध्यान मत दिया करो कि मैम ने ना बर्थडे विश नहीं करा मैम ने इस चीज़ पे ध्यान कर दिया करो कि मैम कितनी मेहनत कर रही है तुम्हारे लिए आज भी उठ के आई हैं तुम्हारे लिए इन चीज़ों पे ध्यान दिया करो ठीक है बट माई विशेज आर ऑलवेज विद यू यार चाहे मैं देख नहीं पाई कि तुम्हारा बर्थडे है देख पाई तो मैंने बोल दिया नहीं भी देख पाई तो मेरी विशेज तुम्हारे साथ ही हैं राइट प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप्स हमें पता होने चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट <laughs> ठीक है भाई लोगों yes, आ जाओ <coughs> पहला स्टेप यार मैंने तुम्हें बोला था कि अगर तुम अगर अगर तुम्हें बहुत बढ़िया तुम चाहते हो कि मेरा जो प्लांट है ना वो डिजीज रेजिस्टेंट हो मेरा जो प्लांट है ना वो उसको बहुत गर्मी हो रही है उसका कोई फ़र्क ना पड़े मेरा जो प्लांट है ना उसके ऊपर कोई पेस्ट भी ना आए तो तुम वो प्लांट कैसे बनाओगे तुम वो प्लांट कैसे बनाओगे ब्रीडिंग करोगे अब ब्रीडिंग करने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं से कुछ प्लांट लेके आने पड़ेंगे ना जाओगे ना अब वो जगह कौन सी होती है जहाँ पे तुम जाते हो वो वेरिएबिलिटी को देखने के लिए उन कैरेक्टर्स को देखने के लिए कहीं तो जाओगे कि हाँ मुझे ये वाला निकाल के दे दीजिए जी मुझे ये वाला प्लांट चाहिए जिसमें ना बहुत कम डिजीज़ होती है मुझे ये वाला प्लांट दे दीजिए जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ग्रेन बनते हैं कहीं तो जाना पड़ेगा यार जैसे तो शॉपिंग करने जाते हो तुम कि मेरे को ये वाला कपड़ा चाहिए ये वाला वैसे ही शॉपिंग करने जाना पड़ेगा प्लांट ब्रीडिंग के लिए भी और वो जगह क्या होती है वो जगह होती है तुम्हारी जर्म प्लाज्म कलेक्शन ठीक है जर्म प्लाज्म कलेक्शन इज़ पूरी आपकी इन्वेंट्री बनी हुई है जहाँ पे आपको तरह तरह के तरह तरह के प्लांट की विद देयर कैरेक्टर विद देयर यू नो कि ये वाला जो है वो हाई यील्डिंग है ये वाला जो है वो हाई रेजिस्टेंट है ये वाला जो है ये uh, बहुत सूखा हो उसमें भी चल जाता है तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो अच्छा ये दो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ है ना करना पड़ेगा ना यस चलो तो पहला क्या अपना है स्टेप कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी कहां पे किधर जाओगे जर्म प्लाजम कलेक्शन में जाओगे जैसे मॉल में जाते हो ना शॉपिंग करने तो इसके लिए कहां जाओगे जर्म प्लाजम कलेक्शन ठीक है यहां पे आपको तरह 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 का वेरिएशन मिल जाएगा दिस इज द एंटायर कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑफ़ ऑल द जीन्स एंटायर कलेक्शन ऑफ ऑल एलील्स ऑफ ऑल जीन्स मुझे यहां सब कुछ मिल जाएगा भाई मेरे को जो भी चाहिए ना वो मिल जाएगा ठीक है जी ठीक है जी ओके नाउ एंड बच्चों आपके आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे डॉक्टर गार्गी सिंह टेलीग्राम पे, ये मेरा टेलीग्राम है इसको इस पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे डी पी भी मैं आज इसकी आपको डाल दूंगी और कल तीन बजे भूलना नहीं है कल तीन बजे आपका सेशन होने वाला है ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एसर्शन एंड रीजन कल मैं आपका वाई का सेशन नहीं ले पाऊँगी ठीक है टू बी वेरी ऑनेस मैं नहीं ले पाऊंगी बिकॉज आई हैव टू गो टू माई फिजियोथेरेपिस्ट मैं पिछले काफ़ी दिन से कंटिन्यूअसली काम कर रही हूँ तो मेरे बैक पर थोड़ा प्रेशर आ जाता है तो मुझे वहाँ जाना है ठीक है कल मैं यूट्यूब का नहीं ले पाऊँगी क्योंकि तो यूट्यूब का बहुत लंबा सेशन जाता है आप देख रहे हो मैं एक दिन में एक चैप्टर कराने की कोशिश कर रही हूँ है ना ओके okay. <coughs> तो उसके लिए लेकिन कल देखो मैं छुट्टी नहीं ले रही हूँ कोई कल तुम्हारा मैं तीन बजे ये स्पेशल पे क्लास ले रही हूँ ठीक है येस दूसरी चीज़ आई एम थिंकिंग ऑफ मुझे बताना तुम्हें ये ठीक लग रहा है नहीं मैं सोच रही हूं कि अपना एक चैप्टर रह गया था प्लांट फिजियोलॉजी का दैट वॉज ट्रांसपोर्ट मैं सोच रही हूं वो खत्म करवा दूँ इसके बाद मतलब परसों मैं ट्रांसपोर्ट का सेशन ले लेती हूं सो so दैट अपनी प्लांट फिजियोलॉजी खत्म हो जाए देन वी कैन स्टार्ट विद द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑफ ट्वेल्थ ठीक है बोलो 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 ठीक है चलेगा ना चलेगा ऑल राइट ठीक है तो ट्रांसपोर्ट वाला बस एक चैप्टर रह गया था वो मैं आपका परसों लगवा दूंगी परसों के लिए सो so दैट अपना प्लांट फिजियोलॉजी बिल्कुल खत्म हो जाए फिर बच्चों उसके बाद मैं ट्वेल्थ के ही चैप्टर पहले करवाऊंगी क्योंकि बोर्ड्स वाले बच्चों को बड़ी हेल्प हो जाएगी रिमेनिंग चैप्टर ऑफ द इलेवेंथ विल बी कवर्ड आफ्टर दैट ओके हाँ यस यस मैम यस मैम चलो तुम काफी खुश लग रहे हो इस बात से हाँ ठीक है चलो ह्यूमन फिजियोलॉजी बच्चों शुरू होगा लेकिन मैं पहले ट्वेल्थ करवाऊंगी फिर उसके बाद इलेवेंथ फिर उसके बाद इलेवेंथ <coughs> चलो आ जाओ <coughs> चलिए जी कलेक्शन कर ली तुमने ठीक है जी शॉपिंग कर ली क्या होता है कि मान लो तुम क्या तुम्हें एक सूट सिलवाना है तो तुम क्या गए मॉल में गए कपड़ा देखा तुमने हाँ ये वाला कपड़ा दे दीजिए और मुझे इसका सूट सिलवाना है अभी उसके बाद क्या करोगे दर्जी को दे दोगे है ना अब आपने क्या करा देखा कि कपड़ा तो ऐसे तो देख लिया लेकिन उसका क्वालिटी भी देखो ना अच्छी है या नहीं है तो दूसरे नंबर पर जो आप इवेल्युएशन करोगे पहला स्टेप था मॉल जाना दूसरे नंबर पर इवेलुएशन करोगे देखो कि कपड़ा ठीक है या नहीं है देख लिया ना तो हम वैसे ही देखेंगे कि ये वाले कैरेक्टर चाहिए मुझे ये वाला कैरेक्टर ठीक है ये वाला ठीक है तो आप क्या करेंगे सिलेक्ट कर लेंगे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट ठीक है जी सिलेक्शन के बाद क्या करेंगे तीसरा स्टेप हुआ ब्रीडिंग क्रॉस हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन या फिर ब्रीडिंग क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होगा या फिर आप ब्रीडिंग भी लिख सकते हो ठीक है प्लांट ब्रीडिंग कर दोगे ऑफ सिलेक्टेड प्लांट्स ठीक है जो मेल एंड फीमेल आपने ले लिए ना अब उनकी ब्रीडिंग कराएंगे नहीं बच्चे कैसे होंगे फिर आगे अपने पास रख के थोड़ा बैठ जाएंगे इसको ठीक है चलो फोर्थ स्टेप में क्या होगा फोर्थ स्टेप में क्या होगा और बच्चों ये ना ये बड़ा ही मुश्किल स्टेप होता है इस स्टेप को ना आपको बहुत टाइम लग जाता है आप बार 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 ब्रीडिंग करवाते हो कि हां डिजायर्ड रिजल्ट आ जाए डिजायर्ड रिजल्ट आ जाए डिजायर्ड कॉम्बिनेशन आ जाए तो दिस इज अ टीडियस जॉब इन सब में सबसे मुश्किल स्टेप ये होता है आपको शायद सत्तर बार हजार बार ये स्टेप करना पड़े तब जाके आपको आपका डिजायर्ड कॉम्बिनेशन मिलता है ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है ठीक है ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है ठीक है जी यस yes. तो so, अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्टेप कौन सा? है ये वाला क्योंकि एक हजार में से सिर्फ एक आपको डिजायरेबल कॉम्बिनेशन मिलता है इसीलिए यहां पे लिख दूँ मैं लिख दूँ मैं यहां पे, ओनली वन इन थाउजेंड्स ठीक है डिजायरेबल कॉम्बिनेशन तो बार बार आपको ये स्टेप करना पड़ सकता है किस्मत है तुम्हारी अभी नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या है अपना अब हो गया तुम्हें तुम्हें तुम्हारा डिजायरेबल कॉम्बिनेशन मिल गया अब आप करोगे उसको उसकी टेस्टिंग करोगे कि क्या अगर मैं इसको इस जगह पे ग्रो करूं तो कैसा बिहेव कर रहा है इस जगह पे ग्रो करूं तो कैसा बिहेव कर रहा है सो यू विल सिलेक्ट सिलेक्शन एंड टेस्टिंग होगी उसकी आप ऐसी फार्मर्स को नहीं बोल दोगे कि ये लो हमने बना लिया जी ले लीजिए ये वाला ले नहीं ना नह, ना नह, 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 आप उसको टेस्ट करोगे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सॉइल पे टेस्ट करोगे डिफरेंट डिफरेंट यू नो मौसम में टेस्ट करोगे सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर वेराइटीज या फिर हाइब्रिड्स हाइब्रिड्स लिखो यहाँ पे और ये जो आपके सुपीरियर हाइब्रिड्स होते हैं ना इन्हीं को बोला जाता है ये शो करते हैं हेटरोसिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ये शो करते हैं हेटरोसिस या फिर इसको हाइब्रिड विगर भी बोला जाता है हाइब्रिड विगर भी बोला जाता है अब सुन लो ये क्या होता है हाइब्रिड विगर इज सुपीरियर कैरेक्टर्स का आ जाना बच्चे के अंदर एक प्लांट था जिसके पास था डिजीज रेजिस्टेंट एक प्लांट था जिसके साथ तुमने मेटिंग कराया उसके पास था हाई यील्डिंग का पावर तुमने दोनों को मेट करा लेकिन भाई 900 जो थे ना 900 या फिर 995 जो तुम्हारे रिजल्ट आए वो सब थे ना लायक किस्म के जो तुम्हारे चार पांच आए ना वो ऐसे थे उनमें दोनों सुपीरियर कैरेक्टर आ गए पेरेंट्स के तो जो बच्चा बना वो पेरेंट्स से भी सुपीरियर हो गया उसको हम क्या बोलते हैं हाइब्रिड विगर या फिर हेटरोसिस दैट इज़ नोन एज हाइब्रिड विगर या फिर हेटरोसिस ठीक है चलो लिखो 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 सो so, सुपीरियर ऑफ प्रोजेनी जब बच्चा पेरेंट्स से भी आगे निकल आए ओवर द पेरेंट्स उसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस या फिर हाइब्रिड विगर और मुझे सुपीरियर हाइब्रिड्स ही चाहिए ठीक है यस बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स बिल्कुल 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 ठीक है जी अब हमें जब एक बार मुझे मेरे मनपसंद कैरेक्टर मिल गए मैं उनको प्रिजर्व करूंगी यार और प्रिजर्व कैसे करूंगी सेल्फ पॉलिनेशन करवाऊंगी अब हम करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाएं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा दिया सॉरी क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया तो सेग्रीगेट हो जाएंगे गुम हो जाएंगे मेरे कैरेक्टर मैंने क्या करा बहुत स्मार्ट बन के सेल्फ पॉलीनेशन करवाया क्यों प्योर लाइंस फॉर मैनी जनरेशन क्यों भाई क्योंकि मुझे प्योर लाइंस जनरेट करनी है एक बार मेरे मैं एकदम पक्का होगी ना कि हाँ भाई मेरे पास प्योर लाइंस बन चुकी हैं अब हम फिर से टेस्ट करेंगे ठीक है फिर से टेस्ट करेंगे और अगर टेस्ट सक्सेसफुल हुआ बच्चे तो हम रिलीज कर देते हैं फार्मर्स को दे देते हैं कि हाँ ये वाली जो आपकी वेराइटी है ये क्या क्या है ये वरायटी है सुपीरियर आप इसको यूज करो एंड कमर्शलाइजेशन ठीक है डन <laughs> ये स्टेप्स होते हैं दीज आर द स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग ओके अब इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे जैसे कि शुगर केन जैसे कि शुगर केन के केस में था दो आपने पढ़ा हो ना शुगर केन के केस में एक बारबेराई था एक ऑफिसनेरम था है ना एक बारबेराई था और एक ऑफिसनेरम था ओके <laughs> okay. चलो जी शुगर केन शुगर केन के केस में हमारे पास था दो वैरायटीज थी बच्चों दो वैरायटीज होती थी एक था सैकर अच्छा टूल्स ऑन थे एक था साकरम सैकरम बारबेराई ठीक है और एक था सैकरम ऑफिस नेरम ऑफिस नेरम था ये दो वैराइटीज थी एक वराइटी नॉर्थ इंडिया में होती थी एक साउथ इंडिया में होती थी एक वराइटी नॉर्थ इंडिया में होती थी एक साउथ इंडिया में होती थी यहां लिखो ये यह होती थी नॉर्थ इंडिया में दोनों की ची... क्या क्या खूबियां थी हम यहीं पर लिखेंगे ये होती थी साउथ इंडिया में साउथ इंडिया वाली वरायटी ज्यादा अच्छी थी ठीक है साउथ इंडिया वाली वरायटी ज्यादा अच्छी थी सो नॉर्थ इंडिया वाली में शुगर का कंटेंट कम था शुगर कंटेंट कम लो थिन स्टेम, स्टेम कैसी थी पतली अब स्टेम हो होगी तो शुगर का कंटेंट लो ही होगा ठीक है होगा लो ही। साउथ इंडियन वैरायटी में शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा था भर भर के था ज्यादा था भाई कैसी स्टेम थी थिक स्टेम थी है ना अब क्या हुआ अब क्या हुआ हमने क्या करा कि दोनों को मेट कर दिया हमने सोचा कि भाई हमें भी नॉर्थ इंडिया में ना हमें भी यही चाहिए पर जब हमने इसको इंट्रोड्यूस करा ना सीधा सीधा नॉर्थ इंडिया में बच्चों ये वहाँ ग्रो नहीं हो पाया क्योंकि ये किस 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 जगह के लिए बना हुआ है साउथ इंडिया के लिए बना हुआ है तो हमने क्या करा चलो भाई दोनों को मेट कर देते हैं दोनों को मेट करेंगे तो जो नई हमारे पास वैरायटी बनेगी ना हाई यील्डिंग वैरायटी होगी और वो नॉर्थ इंडिया में भी सरवाइव कर पाएगी इसलिए हमने दोनों को मेट कर दिया ठीक है चलो अब हम क्या करेंगे मेट कर दिया कर दिया ब्रीडिंग कर दी अब हमारे पास आ गई एक हाई वैरायटी आ गई जो नॉर्थ इंडिया में बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हुई ग्रोज वेल इन नॉर्थ इंडिया बहुत बढ़िया तरीके से नॉर्थ इंडिया में ये ग्रो हो गई एक और चीज लिखोगे कि सिर्फ यही नहीं था जिसके लेके हमने ब्रीडिंग करके बढ़िया वेराइटीज बना ली और भी थे जैसे कि हमने हाइब्रिड मेज भी बनाया हमने हाइब्रिड ज्वार जौ, भी बनाया एंड बाजरा भी बनाया ये लिखना है हमने और क्या बनायाल्सो क्रिएटेड हाइब्रिड मेज बाजरा एंड जो आर हमने ये सब चीजें भी बना ली हैं बच्चों सो so, क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है ठीक है सबसे पूछा जाता है क्वेश्चन शुगर केन वाली जो आपकी वेराइटी थी सबको समझ में आया फटाफट पड़ से बताओ फटाफट पड़ से बताओ हाँ जी बोलो 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 कुछ बच्चे तो यहां पे टाइम पास ही कर रहे हैं हाँ यस क्लियर 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 अर्शी रंजू रुपिंदर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गुड शांभवी प्राज्ञा प्रिया ओके डीपीसी वेरी गुड वेरी गुड 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 चल हाँ जी आ जाओ चले आगे चले चलो अब हम करेंगे बच्चों प्लांट ब्रीडिंग के अलग अलग तरीके हैं ठीक है जैसे कि एक प्लांट ब्रीडिंग हम करेंगे डिजीज रेजिस्टेंस के लिए तो कैसे करेंगे उसको देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग हम करेंगे फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट उसको कैसे करेंगे वो देखेंगे चलो शो करते हैं ठीक है आ जाओ सो so, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस है ना चलो अच्छा जी एक बच्चे हम पढ़ेंगे पेस्ट के लिए एक हम पढ़ेंगे डिजीज के लिए तो डिजीज के लिए हम क्या करेंगे देखिए जी अगर आपको डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट चाहिए तो आप एक प्लांट ऐसा ढूंढोगे ना जिसके अंदर डिजीज का रेजिस्टेंस हो ऑब्वियसली आपको वो जीन चाहिए कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा है ना आपको वो जीन चाहिए कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा कहाँ से दोगे जो आपके पास प्लांट है उसी में देखोगे ना आपकी किसी प्लांट के पास ये जीन है या नहीं है तो इसी के साथ ब्रीडिंग करेंगे तो शायद कैरेक्टर आ जाए आगे जाके ठीक है राइट राइट ठीक है तो हम उस चीज़ को देखेंगे और नॉर्मली वो जो रेजिस्टेंट जीन होते हैं वो हमें वाइल्ड वेराइटीज़ में मिलते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं वाइल्ड वेराइटीज में मिलते हैं आपने देखा होगा जो चीज़ वाइल्ड में ग्रो कर रही होती है उसको कोई ध्यान तो रख नहीं रहा या उसका कोई ध्यान रख रहा है कोई जाके तुम वहां जाके पानी देते हो हाँ उसको फर्टिलाइजर देते हो उसको बड़ा प्यार करके आते हो नहीं लेकिन वो वहाँ ग्रो करता है क्यों क्योंकि उसके अंदर अंदर से ही रेजिस्टेंस है ठीक है ना क्योंकि इसके अंदर क्या है अंदर से ही रेजिस्टेंस है ऑल राइट right. ऐसे ही प्लांट को हम सेलेक्ट करने वाले हैं और बनाने वाले हैं डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट डिजीज़ कौन कौन कॉज करता है पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए क्रॉप के लॉसेज होते हैं बीस से तीस परसेंट बिकॉज ऑफ वायरल डिजीज बिकॉज ऑफ़ फंगल डिजीज बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है फंगस का हो जाता है वायरस का हो जाता है तुमने देखा होगा कि किसान की पूरी की पूरी फसल खराब हो गई किसान ने फसल काट के रखी पूरी की पूरी जो गेहूं थी खराब हो गई क्यों क्योंकि उसके अंदर क्या लग गया क्या? बोलते ना कीड़ा लग गया आपने पता नहीं सुना सुना होगा या नहीं बोलते थे कीड़ा लग गया कीड़ा नहीं लगता वो वो या तो फंगस लग जाती है या फिर वायरस लग जाता है या फिर बैक्टीरिया लग जाता है अब हम कैसे हेल्प करें फार्मर्स की हम फार्मर्स की हेल्प कर सकते हैं डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज बना के सबसे पहले तो देखो फंगल डिजीज में किसका एग्जाम्पल आएगा फंगल डिजीज में एग्जाम्पल आता है रस्ट का किसका आ जाएगा रस्ट का रस्ट ऑफ वीट ठीक है रॉट ऑफ शुगर केन अब ना तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि अब इनके नाम नहीं पूछे जाते कि कौन सी फंगस कॉज करती है ठीक है अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना कि कौन सी फंगल डिजीज है कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है क्योंकि क्वेश्चन उसी पे आएगा ठीक है क्वेश्चन उसी पे आएगा लाइट लाइट लिखी हूं लेट ब्लाइट लेट blight of potato. Okay, ये तो हुई तुम्हारी fungal disease. अब तुम आ जाओ bacterial disease पे Bacterial में किसके example है Bacterial disease में किसके example है Black rot of crucifer. एक ही दिया है तुम्हारी किताब में ऐसे तो बहुत सारे होते हैं Black rot of crucifer. ठीक है अब आ जाओ तुम वायरल डिजीज पे लेट्स टॉक अबाउट वायरल डिजीज वायरल डिजीज यहां कौन आ जाएगा भाई तुम टोबैको मोजाइक पढ़ते आ रहे हो लिखो टोबैको मोजाइक आ जाएगा और क्या आ जाएगा टर्निप मोजाइक

बोलो 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 रस्ट ऑफ फीट कौन कॉज करता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में करवाया हुआ है मैंने तुम्हें पक्सीनिया वेरी गुड और स्मट अस्टीलैगो स्मट कॉज करता है अस्टिलैगो याद रखना भाई ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये दिया हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ठीक है ना ओके okay? लिटल stretching हाँ जी चले आगे बढ़े आ जाओ तो मैंने आपको वो इसलिए नहीं लिखवाए बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू फोकस ऑन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहती कि तुम एक्स्ट्रा चीजें याद करो हाँ जी अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग की कैसे कैसे हमारे पास मेथड्स हैं मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग देखो मैं इसमें म्यूटेशन ब्रीडिंग करवाने वाली हूं जिसमें तुम्हें ज्यादा दिक्कत रहती है समझना आप मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग कैसे होंगे दो तरह के हैं एक जो हमने अभी करा जो मैंने स्टेप्स लिखवाए थे ना वो कन्वेंशनल ब्रीडिंग था दैट वॉज कन्वेंशनल ब्रीडिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग वो क्या था ये वाला था ये जो यहां पे स्टेप लिखवाया था ना ये दिस इज कन्वेंशनल ब्रीडिंग ये तुम्हें पता है ये मैंने डिटेल में डि डि डिस्कस कर लिया ठीक है चलो ओके नाउ कन्वेंशनल ब्रीडिंग हम डिस्कस कर चुके हैं अब दूसरा क्या था दूसरा था जिस पे हमें फोकस करना है इज म्यूटेशनल ब्रीडिंग म्यूटेशनल ब्रीडिंग इसके ऊपर हमें फोकस करना है क्योंकि कन्वेंशनल हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में अब हम बात करेंगे बच्चों म्यूटेशनल की म्यूटेशनल ब्रीडिंग में हम क्या कर रहे हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग में ना अभी आपको बोला बताया था ना कि भाई हम ढूंढते हैं वाइल्ड में हम वाइल्ड में रिलेटिव ढूंढते हैं जिसके पास वो कैरेक्टर हो अगर तुम्हें वाइल्ड में भी ना मिले कोई तो फिर तुम क्या करोगे ठीक है अगर तुम्हें वाइल्ड में भी ना मिले मान लो तुम ढूंढ रहे हो कि एक ऐसा जैसे तुम्हारे बुक में एग्जाम्पल दिया है मूंग दाल का मूंग दाल का एग्जाम्पल दिया हुआ है और मूंग दाल में ना एक आपका बीमारी लग जाती है जिसको हम बोलते हैं येलो मोजाइक वायरस लग जाता है तुम ढूंढ रहे हो कि मूंग का कोई वाइल्ड ऐसा रिलेटिव है जिसमें ये बीमारी ना लगती हो तो तुमने देखा कोई सब में ही लग रही है बीमारी तुम्हें मिला ही नहीं तो तुम अब क्या करोगे तो तुम प्लांट ब्रीडिंग ही नहीं करोगे एक नई वेरायटी बनाओगे ही नहीं नहीं फिर हम पता है क्या करते हैं हम लेते हैं मूंग दाल का कोई भी एक वेरायटी ले लो उसके अंदर हम म्यूटेशन करवाते रहते हैं करवाते रहते हैं करवाते रहते हैं तब तक म्यूटेशन करवाते रहते हैं जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि इसके अंदर वो कैरेक्टर आ गया है तब तक हम म्यूटेशन करवाएंगे बच्चों उसमें तो हमने म्यूटेशन करवाया ओके okay? अब उसके अंदर वो कैरेक्टर आ गया अब उसके अंदर वो रेजिस्टेंस आ गया अब हम उसको यूज़ करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के लिए क्योंकि आपने क्या करा आपने एक ऐसा वेराइटी बना लिया जिसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस है ठीक है डिजीज़ का रेजिस्टेंस तो आ गया लेकिन भाई बाकी चीज़ें फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं तो देखो तुम्हें ये ध्यान देना पड़ेगा बाकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो मैं सीधा उसको नहीं यूज़ कर सकती अपने फील्ड में मैं क्या करूंगी उसको यूज़ करूंगी एज अ मेल या फीमेल की तरह यूज़ करूंगी और फिर उसकी ब्रीडिंग करवाऊंगी विद अनदर अदर वेराइटी जिसमें हाई यील्डिंग भी होती है ताकि मुझे दोनों के कैरेक्टर मिल जाए क्या मेरी बात समझ में आ रही है ठीक है क्या मेरी बात समझ में आ रही है हमने क्या करा अगर हमें कोई इस तरह का प्लांट नहीं मिला जिसके अंदर वो रेजिस्टेंस है तो हमने वो प्लांट खुद से तैयार कर लिया कैसे म्यूटेशन से लेकिन बच्चे म्यूटेशन से आपने सिर्फ एक क्वालिटी एक कैरेक्टर उसका बदल दिया बाकी चीज़ें भी तो होनी चाहिए ना उसके लिए मैं क्या करूँगी उसके लिए किसी और प्लांट को लेकर आऊँगी दोनों को मेट कर दूँगी और एक नई वाइटी बना लेंगे यस चलो ठीक है बनाए नई वेरायटी हाँ जी आ जाओ सो so, म्यूटेशन में क्या होता है जो हम म्यूटेशन इंड्यूस करेंगे वी विल इंड्यूस म्यूटेशन आर इंड्यूस्ड ठीक है यूजिंग कैसे कैसे केमिकल यूज करके या फिर रेडिएशन यूज करके जैसे कि गामा जैसे कि गामा रेडिएशन हम यूज कर सकते हैं ठीक है गामा रेडिएशन हम यूज कर सकते हैं अब तुम्हारा जो प्लांट बना म्यूटेशन के बाद जो प्लांट बना उस प्लांट को आप यूज करोगे एज ए सोर्स इन ब्रीडिंग इस प्लांट को आप एज वन ऑफ द प्लांट यूज करोगे इन ब्रीडिंग ठीक है जी यस yes. और इसका एग्जाम्पल क्या इसका है इसका एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है मूंग बीन, ठीक है इसका एग्जाम्पल है मूंग बीन, जैसे कि वो क्या कॉज करता था मूंग बीन में क्या होता था बच्चों येलो मोजाइक वायरस इसको इन्फेक्ट करता था येलो मोजाइक वायरस इन्फेक्ट करता था और कौन सी डिजीज कॉज करता था पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू, है ना पाउडरी ठीक है जी डन ओके ये है तुम्हारा म्यूटेशनल हा ये है तुम्हारा म्यूटेशनल म्यूटेशनल ब्रीडिंग समझे इसका एग्जाम्पल क्या है मूंग बीन इज द एग्जाम्पल मूंग बीन इज द एग्जाम्पल अच्छा क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंट प्लांट्स uh, को बनाने की तो एक और एग्जाम्पल तुम्हें यहां पे लिखवा देती हूं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अलग से लिखवा रही हूं दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों इसमें हमने क्या करा भिंडी भिंडी ली किस किसकी फेवरेट है भिंडी किस किस को अच्छी लगती है भिंडी भरवा भिंडी बड़ी मुश्किल से बनती है बहुत ही टाइम लगाना पड़ता है तो इसको हम क्या बोलते हैं मॉस्कस इज द साइंटिफिक नेम मॉस्कस एसक्यूलेंटस एसक्यूलेंटस इज द साइंटिफिक नेम भिंडी का साइंटिफिक नेम क्या है मॉस्कस एसक्यूलेंटस भाई यहां पे हमने क्या करा इसको भी एक वायरस परेशान करता था इसको भी येलो मोजाइक वायरस की डिजीज हो जाती तो हमने कौन सी वैरायटी बनाई हमने बनाई परभानी क्रांति परभानी क्रांति बनाई हमने ठीक है और दिस वाज रेजिस्टेंट टू रेजिस्टेंट टू येलो मोजाइक वायरस ठीक है तुम्हें आती है बनानी वेरी गुड वेरी गुड ठीक है वेरी गुड स्किन प्रॉब्लम होती है उससे अरे अरे यार कोई बात नहीं कोई बात नहीं टू येलो मोजाइक वायरस ठीक है तो ये याद रखना भाई परवानी क्रांति सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है किस लिए है किस चीज का रेजिस्टेंट प्रोवाइड करा पर, करा था लौ, लौ, किसका करा था येलो मोजाइक वायरस का अच्छा ये नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा डब्बे में बना रही थी नहीं हो पा रहा ठीक है यस अब आ जाओ तुम इंसेक्ट इंसेक्ट रेजिस्टेंस देनी है तो आ आ आ इसमें एक चीज एक चीज एक चीज एक चीज़ ऐसे बहुत आराम से नहीं जाने देंगे तो मेरे को रुको रुको यस दिस इज योर होमवर्क बच्चों दिस टेबल इज योर होमवर्क ये आपकी किताब में बन जाना चाहिए इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे दिस इज योर होमवर्क मेरे साथ इसको जरा ये आपकी किताब में बन जाना चाहिए स्पेस छोड़ दो चलो देखो

और याद करना पड़ेगामगिरी की वेराइटी है और वो किसके लिए रेजिस्टेंट है लीफ एंड स्टाइप के लिए ठीक है हाँ. वही। चलो जी, ब्रासिका, ये तुम वही वाली बात कर रहे हो जो कल मैंने तुम्हें बोला था कि भाई मैम खिला भी दो मैम डाइजेशन भी कर दो पचावी दो मैम उसके बाद एब्जॉर्प्शन भी करवा दो और मैम पप्पू भी भाई इतना नहीं होता थोड़ा काम खुद भी करना पड़ता है आई केन नॉट हेल्प यू इन

जो बोलता है ना तुम्हें कि एक बार मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओ और बस फिर ऐश ऐश नहीं है भाई यहाँ तुम्हें 95 परसेंट चीजें हम करके दे रहे हैं वहां तुम्हें पाँच प्रतिशत चीज करके दी जाएगी तुम्हारे प्रोफेसर्स प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं बच्चे हाँ ठीक है चलो आ जाओ ब्रासिका ब्रासिका का जो आपका वरायटी है उसको नाम दिया हमने पूसा पूसा क्या है पूसा आपका ये जो हम कल कल तुम्हें बताया था ना ये तुम्हारा दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट है ठीक है वो पहले पूसा में था तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इसलिए नाम दे दिया बच्चों पूसा ठीक है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना इसलिए इसलिए उन्होंने ही ये वैरायटीज बनाई है ठीक है हाँ जी आ जाओ एंड बच्चों उसके बाद कॉलीफ्लावर है उसका नाम है पूसा सुबरा एंड पूसा स्नोबॉल के वन किसके लिए है ब्लैक रॉट एंड कर्ल के लिए है काउ पी पूसा कोमल है चिली पूसा सदाबहार है याद रखना ये बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए है ये चिली मज़ायक वायरस टोबैको मज़ायक वायरस एंड लीव कर्ल के लिए है. ये आपको याद रखना ही पड़ेगा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है मैं कोई शॉर्टकट नहीं बता सकती इसका यू विल हैव टू रिमेंबर दिस याद ही करना पड़ेगा इसका आपको ओके जी चलो आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ अरे ये क्या कर दिया मैंने ये क्या करा ये क्या हुआ ये कैसे हुआ ठीक हो गया ठीक हो गया चलो नेक्स्ट पे आ जाओ नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसेक्ट पेस्ट के लिए इंसेक्ट पेस्ट बस पंद्रह बीस मिनट में चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा इंसेक्ट से बचाने के लिए जो आपके प्लांट है उन्होंने कुछ मॉर्फोलॉजिकल बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स डेवलप करे हैं अपने अंदर उससे वो अपने आप को बचा पाते इंसेक्ट से लेकिन अगर ना बचा पाए इसके बाद भी ना बचा पाएं तो क्या करें कुछ ना कुछ ब्रीडिंग करके आपको नई वेराइटीज बनानी पड़ेंगी ठीक है ब्रीडिंग करके आपको नई वेरायटीज बनानी पड़ेंगी ठीक है ठीक है चलो तो हम लिखें मॉर्फोलॉजिकल हो सकते हैं ओके बायोकेमिकल हो सकते हैं बायोकेमिकल हो सकते हैं या फिर फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप इंसेक्ट से बच सकते हो जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ एग्जांपल देती हूँ फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके जो लीव्स हैं उनके ऊपर हेयर बन जाए ट्राइकोम्स बन जाए जो लीव्स हैं उनके ऊपर ट्राइकोम्स बन जाए ठीक है तो तो एक बैरियर बन जाएगा जो आपका इंसेक्ट है मान लो ये तुम्हारा लीफ है अब यहाँ पे हल्के 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 ऐसे 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 लाइक स्ट्रक्चर बन जाए तो जो इंसेक्ट आया ये इंसेक्ट मैंने पूछ के बना दिए पता नहीं ठीक है ये तुम्हारा इंसेक्ट आया ये एंटर नहीं हो पाएगा ये खा नहीं पाएगा तुम्हारी लीव्स को या स्टेम को तो इसलिए हेयर लीव्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं ठीक है ठीके? जी हेयर लीव्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं तो लिखो ना फिर जैसे कि हेयर लीव्स इन केस ऑफ इन केस ऑफ जेसिड्स जेसिड्स क्या है ये तुम्हारे पेस्ट हैं खा जाते हैं कीड़े हैं जेसिड्स इन कॉटन ठीक है एंड सीरियल लीफ सीरियल लीफ ठीक है सीरियल लीफ बीटल है आपका बीटल है इन केस ऑफ वीट वीट को खाता है ये ये बीट बीट को खा जाता है बीटल 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 एल लिख लो बीटल अच्छा जी नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ हाँ जी थोड़ी देर में बैठती हूँ थोड़ी देर में बैठती हूँ बैठ बैठ के भी ना मेरी कमर पे प्रेशर आ जाता है और ये देखो यहाँ पे प्रेशर आ जाता है थोड़ी देर में बैठूँगी दिक्कत वो तो है क्या करें इसलिए कल मैं जा रही हूँ सॉलिड स्टेम भी हेल्प करेगा भाई अगर स्टेम पतली मतलब नाजुक सी होगी तो कोई भी आके उसको खा जाएगा बट सॉलिड हो जाएगी अगर स्टेम सॉलिड स्टेम इन वीट तो उसको खाना मुश्किल होगा ना जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टेम सॉफ फ्लाई ये इसको खा नहीं पाती क्योंकि इसने अपनी स्टेम सॉलिड कर ली है एक और एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें स्मूद लीव्ड एंड नेक्टरलेस कॉटन अगर तुम नेक्टर ही नहीं बनाओगे तो तुम्हें खाने कौन आएगा कोई भी नहीं आएगा तुमने अपने लीव भी स्मूद कर लिए वो फिसल जाएगा स्मूद लीव्ड एंड नेक्टरलेस कॉटन ठीक है जी फॉर एग्जाम्पल बॉल वाम कौन खाता है कॉटन को बॉलवॉम खाता है ओके okay, अच्छा अगर मैं टेस्ट ही खराब कर दू हाई एस्पाटिक एसिड डाल दिया मैंने ठीक है हाई स्पाटिक एसिड डाल दिया लो नाइट्रोजन कर दिया नाइट्रोजन का लेवल कर दिया कम और शुगर का लेवल भी कर दिया कम तो इन्सेक्ट आएगा खाएगा इसको नहीं खाएगा फॉर एग्जाम्पल इन मेज मेज में हमने ये वाला काम कर दिया है तो इंसेक्ट नहीं खाता अब स्टेम बोरर इसको नहीं खाएगा ये कुछ चीजें प्लांट ने अपनी तरफ से करी हैं ताकि वो बच जाए ताकि वो बच जाए ठीक है अब इसके एग्जाम्पल भी देख लो यहां पर दूसरा टेबल दिया हुआ है ये भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा अगेन यू हैव टू लीव सम स्पेस और अपने किताब में इसको छापना पड़ेगा देख लो यू हैव ब्रेसिकअ जिसको आप रेप सीड मस्टर्ड भी बोल रहे हो पूसा गौरव इसका नाम दिया किसके अगेंस्ट बचा रहा है एफिड्स के अगेंस्ट फ्लैट बीन्स बच्चे इसका नाम है पूसा सेम टू सेम थ्री किसके अगेंस्ट बचा रहा है एफिड्स एंड फ्रूट बोरर के अगेंस्ट ओकरा जो है भिंडी इसका नाम तुमने दिया पूसा सावनी एंड पूसा ए फोर जो किसके अगेंस्ट बचा रहा है शूट एंड फ्रूट बोरर के अगेंस्ट ये बचा रहा है ठीक है ओके ये तुम्हें बनाना है इसकी जगह छोड़ देना नेक्स्ट फोर्टिफिकेशन नेक्स्ट आ जाओ तुम फोर्टिफिकेशन बस अब हम अंत पे आ रहे हैं बस यार मैं बैठ रही हूं ब्रो कैसे याद होंगे ये टेबल अरशी बार बार पढ़ने पड़ेंगे इस टेबल का कोई शॉर्टकट नहीं है टेबल बार बार पढ़ने पड़ेंगे ठीक है टेबल बार बार पढ़ने पड़ेंगे तभी आपको ये याद होंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, और जो बच्चा सो और इन टेबल से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है हाँ अरे मैं उठ इसलिए गई क्योंकि मेरे बैक पे बहुत प्रेशर पड़ रहा था आप देख रहे हो मैं कितने दिन से बिल्कुल कंसिस्टेंट हो होके रेगुलर होके तुम्हारी क्लास ले रही हो इसलिए मैम आप अपने हमको भी रिप्लाई करो इक्वालिटी का है चेतन चेतन तेरे तो मैं पिटाई कर दूंगी हाँ ओके चलो हाँ जी आ जाओ बायो फोर्टिफिकेशन बायो फोर्टीफिकेशन क्या है क्या है बायो फोर्टिफिकेशन बायोफोर्टिफिकेशन इज अच्छा मैंने पहले बहुत जूम करा हुआ था बायो फोर्टिफिकेशन इज बच्चो हम किसी चीज में ना जैसे हमने विटामिन जो गोल्डन राइस बनाया था गोल्डन राइस कैसे बनाया था हमने उसके अंदर जीन डाल दिया कैरेटीन का बीटा कैरेटीन का अब विटामिन ए बना बनना, बनना शुरू हो गया तो मैंने क्या करा बायो फोर्टिफिकेशन कर दिया फोर्टिफिकेशन होता है किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बना देना किसी चीज़ में कुछ ऐसी चीज़ ऐड कर देना जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाए इम्प्रूव हो जाए क्वालिटी इंप्रूव हो जाए बायो मीन्स लिविंग चीज़ तो किसी लिविंग चीज़ के अंदर आप कुछ ऐसी चीज़ डाल दो कि उसकी वैल्यू बढ़ जाए ऑब्वियसली न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाए उसको बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं अब तुम्हें तो एक बात बताती हूँ कि लगभग 840 मिलियन पीपल ऑन दिस अर्थ दे डू नॉट हैव एडिकुएट फूड उन्हें खाना ही नहीं मिलता भूखे पेट सो जाते हैं ठीक है 840 मिलियन पीपल भूखे पेट सो जाते हैं प्रॉपर खाना नहीं मिलता एक टाइम का भी खाना नहीं मिलता दूसरी बात जो तीन बिलियन पीपल हैं ठीक है थ्री बिलियन पीपल ऐसे हैं जिनको खाना तो मिल रहा है लेकिन उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा समझ रहे हो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो उसी के लिए हम क्या करेंगे बायो फोर्टिफिकेशन करने वाले हैं कि हम ऐसे क्रॉप बनाए जो सस्ते हैं लेकिन उसके अंदर उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है ठीक है जो सस्ते हैं लेकिन क्वालिटी बहुत बढ़िया है सो वी आर गोइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स जैसे कि हमने उसमें विटामिन डाल दिए मिनरल्स डाल दिए प्रोटीन्स डाल दिए उसको हेल्दी बना दिया लेकिन उसका जो प्राइस है वो बढ़ाने ताकि सबको एक बैलेंस डाइट मिल सके इसलिए बायोफोर्टिफिकेशन उसमें यूज करेंगे क्वेश्चन आपके आएंगे कि भाई अच्छा ये क्वेश्चन इस बार आया था बायो फोर्टिफिकेशन का 2022 20 में इसका क्वेश्चन पूछा गया था भाई है ठीक है तो ये क्या होता है आप क्रॉप्स बनाएंगे विद हाई लेवल ऑफ विटामिन ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हाई लेवल ऑफ क्या डाल देंगे विटामिन डाल दिया प्रोटीन डाल दिए भाई मिनरल्स डाल दिए प्रोटीन डाल दिए ठीक है uh, फैट्स डाल दिए लेकिन गंदे फैट्स नहीं हेल्दी फैट्स हेल्दी फैट्स डाल दिए ओके okay. <coughs> ये हो गया बायो फोर्टिफिकेशन अब हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं फॉर एग्जाम्पल हमने बनाया मेज हमने मेज़ बनाया मेज़ का हाइब्रिड बनाया ऐसा हाइब्रिड बनाया कि उसके अंदर अमीनो एसिड ज्यादा थे उसके अंदर टू टाइम्स क्या था टू टाइम्स तुम्हारे पास लाइसिन था एंड ट्रिप्टोफेन था अगर तुम्हारे पास अमीनो एसिड ज़्यादा हो गया तो प्रोटीन भी ज्यादा हो जाएगा ना ठीक है प्रोटीन भी ज़्यादा हो जाएगा टू टाइम्स लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन था तो इसका मतलब है प्रोटीन भी ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे पास एक हमने बनाई वीट वीट की वैरायटी बनाई वीट की वैरायटी बनाई जिसको हमने नाम दिया एटलस ठीक है जिसको हमने क्या नाम दिया एटलस 66 इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है दिस इज योर पी वाई क्यू सिक्सटी इसके अंदर क्या था इसके अंदर बहुत प्रोटीन था इसमें भी प्रोटीन ज्यादा था हाई प्रोटीन था ठीक है इसमें भी क्या था हाई प्रोटीन था अब यहाँ पे ना तुम्हें इधर देखो ये वाला जो पेज है पेज नंबर इस 176 पेज नंबर पे तुम जाओगे ना तो तुम्हें दिखेगा कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली का जो है उन्होंने और भी चीज़ें रिलीज़ करी और भी चीज़ें बनाई जैसे कि विटामिन ए रिच कैरेट दिस इज़ इंपॉर्टेंट स्पिनिच पंपकिन विटामिन सी एंड इन्होंने क्या बनाया करेला बनाया बिटर गॉड बथुआ बनाया मस्टर्ड बनाया सरसों बनाया टमाटर बना दिए आयरन एंड कैल्शियम रिच क्या बनाया स्पिनिच बनाया बथुआ बनाया प्रोटीन रिच क्या बनाए बीन्स बना दिए तुम्हारे गार्डन पीज़ बना दिए ठीक है जी ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है याद रखना अब हम बात करेंगे सिंगल सेल प्रोटीन की और फिर टिश्यू कल्चर एंड देन अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा आ जाओ सिंगल सेल प्रोटीन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है सिंगल सेल प्रोटीन इज एक आपका ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटीन से भरा पड़ा है मतलब 99 परसेंट प्रोटीन है 95 परसेंट प्रोटीन है हमने ऐसे ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करा फिर हमने सोचा कि हम पता है क्या करते हैं क्योंकि प्रोटीन की बड़ी कमी है तो हम ऐसा करते हैं कि इसी के सप्लीमेंट बना के लोगों को देना शुरू कर देते हैं ठीक है इसी के सप्लीमेंट बना के लोगों को देना शुरू कर देते हैं एंड उससे क्या है प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी कम हो जाएगी और अपना काम भी चल जाएगा सो सिंगल सेल प्रोटीन पे आ जाओ जिसको हम बोलते हैं एस सी पी ज एस सी पी अब अपने दिमाग में ये मत रखना कि सिंगल सेल प्रोटीन मतलब सिंगल सेल ही होता है यूनिसेलुलर भी होता है नहीं मल्टी भी हो सकते हैं क्योंकि कुछ फंगाई भी होते हैं तुम्हारे सिंगल सेल प्रोटीन फॉर एग्जाम्पल स्पिरुलना सबसे पहले स्पिरुलना इज ब्लू ग्रीन एलगे ये क्या है ब्लू ग्रीन एल्गे है इस ये क्या है दिस इज रिच इन प्रोटीन मिनरल्स फैट विटामिन सब में रिच है सब में रिच है, लेकिन ऑब्वियसली प्रोटीन में ज्यादा है देन यू हैव क्लोरेला जो क्या है एल्गा ग्रीन एल्गा है ग्रीन एल्गा है। हैव बैक्टीरिया भी हो गया बैक्टीरिया की भी बात करेंगे बैक्टीरिया की बात करेंगे मिथाइलोफिलस मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस बैक्टीरिया का पूरा नाम है ट्रोफस बैक्टीरिया है ये क्या है बैक्टीरिया लिख लो भाई बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया भाई साहब है बैक्टीरिया भी हेल्प कर रहा है अच्छा इस पर एक इंपॉर्टेंट चीज एक फैक्ट तुम्हारी किताब में दिया हुआ है कि ये ना पच्चीस टन प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है पच्चीस टन प्रोटीन ये प्रोड्यूस कर सकता है एज कंपेयर टू काउ ये देखो यहाँ पे एक लाइन दी हुई है यहां एक लाइन दी हुई ये देखो सम स्पीशीज लाइक मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रॉफर्स बिकॉज

ये एग्जाम्पल याद रखना सिंगल सेल प्रोटीन में इतना करने की तुम्हें मतलब दिस इज इनफ तुम खुद ही देख लो यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा तो दिया नहीं हुआ है इतना काफी है तुम्हारा सिंगल सेल प्रोटीन कहा गया ये रहा ओके इतना काफी है सिंगल सेल प्रोटीन इतना तुम्हारा काफी है और ये देखो स्पिरुलिना को आप कहीं पे भी ग्रो भी कर सकते हो ऐसा नहीं है कि इसके लिए मुझे बड़ा ही बाजार में जाके बहुत ही महंगा महंगा न्यूट्रिय मीडियम लेना पड़ेगा नहीं जो वेस्ट होता है ना एनिमल्स का वेस्ट है उसके ऊपर ग्रो कर दो जो आपकी शुगर इंडस्ट्री है वहाँ से जो वेस्ट आ रहा है उसके ऊपर भी ग्रो कर दो ठीक है जहाँ पे आपके चिप्स बनते हैं पोटैटो चिप्स बनते हैं वहाँ का जो वेस्ट बन रहा है उसके ऊपर ये हर जगह ग्रो हो जाता है इसको कोई दिक्कत नहीं है हर जगह ग्रो हो जाएगा बिल्कुल मजे में मौज में ठीक है आ जाओ बस अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टिश्यू कल्चर रह गई है आ जाओ करते हैं इसको लेट्स फिनिश टिश्यू कल्चर ऑल्सो कर दें ख़त्म कर दें खात्मा कर दें टिश्यू कल्चर का यस टिश्यू कल्चर टिश्यू कल्चर आपको पता है वैसे क्या होता है बट मैं आपको ये भी बढ़िया तरीके से हम करते हैं देखो टिश्यू कल्चर में हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए जैसे कि ठीक है खत्म मत करो उड़ा दो उड़ा दूं अच्छा जी उड़ा ही दूं टिशू कल्चर बच्चे आपको पता है ना क्या होता है टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं कि हम लैब के अंदर कोई भी चीज़ हो सकती है लेकिन यहाँ पे तुम्हारा प्लांट के रिलेशन में बात करी हुई है आप एनिमल्स का भी टिश्यू कल्चर कर सकते हो है ना हम फंगस का भी कर सकते हैं एनिमल का भी कर सकते हैं ह्यूमन बींग के जो सेल्स हैं उनका भी टिश्यू कल्चर कर सकते हैं लेकिन तुम्हारी किताब में ये जो बात करी हुई है ये स्पेशली प्लांट्स के लिए करी हुई तो मैं प्लांट्स ही बोल के तुम्हें समझाने वाली हूँ तो टिश्यू कल्चर में क्या करी हो प्लांट का एक छोटा सा पार्ट लिया आर्टिफिशियल मीडियम बनाया उसके ऊपर रख दिया फिर वो वहाँ ग्रो हो जाता है ठीक है फिर वहाँ ग्रो हो जाता है फिर उसी से उसी से मैं छोटा 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 पार्ट निकाल के अलग 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 टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल सकती हूँ तो मतलब एक सैंपल से मैं बहुत सारे प्लांट्स बना सकती हूँ बहुत सारे प्लांट्स बना सकती हूँ इसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन क्योंकि वो जो पार्ट है वो छोटा सा पार्ट होता है माइक्रो प्रोपोगेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन करना इसी को हम बोल देते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन ठीक है जी यस वेजिटेटिव प्रोपिगेशन नहीं है दिस इज माइक्रो प्रोपगेशन टू बी वेरी स्पेसिफिक अच्छा जो टिश्यू को मैंने वो वाला पार्ट लिया मतलब एक एक ये तुम्हारे पास एक प्लांट था ये था तुम्हारा प्लांट ठीक है ऐसे तुम्हारा प्लांट था राइट right? इस प्लांट का मैंने ये वाला पार्ट ले लिया इस प्लांट का मैंने ये वाला पार्ट लिया और इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया ये टेस्ट ट्यूब इन्होंने बहुत ही अलग सी बना दी है इस टेस्ट ट्यूब इस टेस्ट ट्यूब में क्या था आर्टिफिशियल मीडियम था मैंने उसको इसके अंदर डाल दिया यहाँ पे मैंने ये प्लांट का पार्ट रख दिया इस पार्ट को क्या बोला जाता है वो पार्ट प्लांट का जिसको आपने जुदा कर दिया देखो एक्स गर्लफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड अभी साथ में नहीं है ना तो ये क्या है ये प्लांट के साथ में है तो इसको मैं क्या बोलूंगी एक्स प्लांट बोलूंगी इसको क्या बोला जाएगा एक्स प्लांट ये क्या है ये क्या है वॉट इज दिस दिस इज एक्स प्लांट तो एक्स प्लांट क्या होता है वो वाला पार्ट जो आप यूज करोगे फॉर टिश्यू एक्स प्लांट क्या है एनी पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड फॉर टिश्यू कल्चर टीसी लिख दूं टिशू कल्चर वो टी लिख दूँ हाँ जी चलो यस अब बच्चों जब ये टिशू कल्चर तुमने करा ना तो मेरी बात सुनो टिशू कल्चर आपने करा ना इसके बाद पता है क्या होगा कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि टेस्ट ट्यूब बड़ी नहीं होगी टेस्ट ट्यूब बड़ी नहीं होगी गलती से बड़ी हो गई टेस्ट ट्यूब का साइज़ वही रहने वाला है अब कोई अपना दिमाग ये नहीं लगाया कि मैम टेस्ट ट्यूब भी बढ़ जाएगी नहीं ये था तुम्हारा न्यूट्रिएंट मीडियम इसके ऊपर ना तुम देखोगे कि ग्रोथ होनी शुरू हो गई है ऐसे 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 करके देख रहे हो ग्रोथ हो गई इस ग्रोथ को जो पहली ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं कैलस क्या बोला जाता है उसको कैलस बोला जाता है क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम कैलस वट इज दिस दिस इज कैलस 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 क्या है अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स अभी जो आपके सेल्स है ना उन्होंने डिसाइड नहीं करा कि मैं पत्ता बनाऊंगा मैं लीफ uh, मैं स्टेम बनाऊंगा मैं रूट बनाऊंगा नहीं नहीं अन डिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है इसी से मैंने क्या करा अब मैं ये 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 जो यहां पे आपने क्या कहते हैं स्कैलिस बनाया ना इसमें से ना बच्चों में बहुत सारा टेस्ट ट्यूब में फिर से ग्रो कर सकती हूँ इसी से छोटा छोटा पार्ट लेके ये लो यार ये टेस्ट ट्यूब ना बहुत ही बेकार शेप की बन रही है मुझसे बट तुम समझ रहे हो ना भावनाओं को समझ लेना ये टेस्ट ट्यूब है ये टेस्ट ट्यूब है ठीक है चलो टेस्ट ट्यूब के अंदर ये अपना न्यूट्रिय मीडियम था अब मैंने यहीं से छोटा छोटा टुकड़ा लेके इनके ऊपर रख दिया तो देख रहे हो तो तुम एक सैम्पल से मैंने बहुत सारे प्लांट्स बना लिए इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन इसको क्या बोला जाता है माइक्रो प्रोपगेशन बोला जाता है दिस इज नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन ये क्या है माइक्रो प्रोपगेशन जब मैं बहुत सारे प्लांट बना रही हूँ और इससे हमने कौन कौन से प्लांट बना लिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा माइक्रो प्रोपोगेशन को यूज करके मैंने टमाटर बनाया है मैंने क्या बनाया है बनाना बनाया है मैंने और क्या बनाया है एप्पल बनाया है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्या बनाया है एप्पल बनाया है ठीक है चलो इतनी बात सबको समझ में आई अब टिश्यू कल्चर किस किस प्रॉपर्टी पे काम करता है टिश्यू कल्चर काम करता है एक प्रॉपर्टी पे जिसको हम बोलते हैं टोटी पोटेंसी जिसको क्या बोला जाता है टोटी पोटेंसी टोटी पोटेंसी ये जो मैंने एक्सप्लांट लिया ना इस प्लांट के अंदर वो पावर होती है कि पूरा का पूरा प्लांट को बना पाए कैपेसिटी ऑफ प्लांट सेल सिंगल प्लांट सेल ऑफ अ सिंगल रुको इसको इरेज करके लिखती हूं नहीं इसको इधर कर लेते ना ऐसे ऑफ अ सिंगल प्लांट सेल टू प्रोड्यूस पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म उसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी तो क्योंकि मेरे प्लांट के जो सेल्स हैं उनके पास टोटी पोटेंसी होती है इसलिए वो ग्रो कर जाते हैं इसलिए वो ग्रो कर जाते हैं और ये क्या था न्यूट्रिएंट मीडियम था ये, ये येलो कलर में मैंने क्या बनाया था दिस वॉज न्यूट्रियट मीडियम ठीक है तो अपना जो न्यूट्रंट मीडियम है उसमें क्या क्या होना चाहिए उसमें होना चाहिए कार्बन का सोर्स जैसे कि सुक्रोज बिल्कुल होना चाहिए उसमें क्या होने चाहिए कुछ सोल्ट होने चाहिए हम प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो तो चाहिए उसमें कुछ विटामिन होने चाहिए प्लांट्स को जरूरत है भाई उसमें अमीनो एसिड होने चाहिए उसमें और क्या होना चाहिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होने चाहिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन जो कि क्या बनवाता है रूट बनवाता है फॉर एग्जाम्पल साइटोकाइनिन जो कि क्या बनवाता है शूट बनवाता है ये हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ चुके हैं ठीक है ठीक है? है चलो डन 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 तो एक ही पेज पे मैंने टिश्यू कल्चर की तुम्हें बड़ी बहुत सारी नॉलेज दे दी है बहुत सारी चीजें बता दी हैं अब बच्चे ये जो था ना टिश्यू कल्चर से जो प्लांट्स बनेंगे इसी टिश्यू कल्चर से हम प्लांट बनाने वाले हैं यहाँ पे मैं तुम्हें एक और टेढ़ी मेढ़ी सी टेस्ट्यूब बना रही हूँ ये रही ठीक है ये था हमारा मीडियम और यहाँ हमने एक्स प्लांट रखा था कुछ दिनों के बाद तुम देखोगे कि यहाँ से बहुत ही सुंदर सा बहुत ही प्यारा सा प्लांट बनना शुरू हो जाएगा ठीक है यहाँ हम प्लांट बना देते हैं देखो ये बना दिया मैंने प्लांट देख रहे हैं बन गया ना प्लांट इस प्लांट को हम क्या बोलेंगे इन प्लांट्स को हम बोलते हैं सोमा क्लोन्स इनको क्या बोला जाता है सोमा क्लोन्स ये क्या है व्हाट इज दिस दिस इज़ अ सोमा क्लोन और भी बनेंगे ना इससे बहुत सारे और बन जाएंगे आ, रुको जैसे मैंने पहले बनाया था तो यहां पे तुमने ऐसे ऐसे करके प्लांट बना दो बन गए प्लांट बन गए ये क्या है दीज आर सोमा क्लोन्स वॉट आर दीज दीज आर सोमा क्लोन्स क्यों सोमा क्लोन मैंने बोला ये प्लांट आपके कैसे होते हैं दीज प्लांट आर आइडेंटिकल प्लांट्स ऑबटेन्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर एंड दे आर आई डेंटिकल क्लोन्स होते हैं बिल्कुल कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट जेनेटिकली आइडेंटिकल लिखो दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल ये वाली बात समझ में आई सोमा क्लोन क्या होता है इज इथिंग क्लियर टू एवरीबडी बताओ सोमा क्लोन समझ में आया क्योंकि सोमा क्यों बोला सोमैटिक सेल से बने थे क्लोन क्यों बोला क्योंकि क्लोन है सबका जो डीएनए वो एक जैसा ही है सबका डीएनए कैसा एक जैसे है है ना एक ही जैसा डीएनए है अब तुम्हारी किताब में एक और बात करी हुई है कि जो हम जब हमें वायरस फ्री प्लांट्स बनाने होते हैं तो हम एपिकल या फिर एक्सिलरी मेरिस्टम लेते हैं जब हमें वायरस फ्री प्लांट बनाने होते हैं ना वायरस फ्री प्लांट्स बनाने के लिए हमें क्या करना होता है एपिकल या फिर एग्जिलरी मेरिस्टेम ले सकते हो तुम प्लीज ये याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्यों क्योंकि एपिकल एंड एग्जी मेरिस्टम दे आर फ्री ऑफ वायरस यहां वायरस नहीं होता दे आर फ्री ऑफ वायरस तो भाई जो जगह जहां पे वायरस नहीं मैं वही तो उठाऊंगी ठीक है वही तो हम उठाने वाले हैं उसी को तो हम यूज करेंगे एज एक्स प्लांट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वायरस फ्री प्लांट्स हमने किसके बनाए फॉर एग्जाम्पल बनाना शुगर केन शुगर केन ठीक है एंड पटेटो uh, इसके हमने बनाया वायरस फ्री प्लांट्स ओके लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन मैम ये क्या होता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाओ चलो अब सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन ना जी ओके चलो लास्ट 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 वेरी हैप्पी आई एम वेरी हैप्पी देखो क्या होता है ना कि कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कभी कभी ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से काम नहीं चलता क्योंकि सेक्सुअली कंपैटिबल ही नहीं होती जो तुम्हारी स्पीशीज है, अगर सेक्सुअली कंपैटिबल ही नहीं है तो तुम ब्रीडिंग कैसे करवाओगे नहीं करवा सकते फ्यूजन uh, ही नहीं हो पा रहा और स्पर्म का ही हो पा रहा तो क्या करोगे तुम अब मतलब चुपचाप बैठ जाओगे कि चलो ठीक है जी ये तो कंपेटेबल ही नहीं है अब हम बैठ जाते हैं नहीं हम कोशिश करेंगे और हम वो कोशिश कैसे करेंगे हमने कोशिश करी कि हमने लिया प्लांट ए हमने लिया प्लांट बी दो प्लांट ले लिए हमने दो प्लांट ले लिए अब इन प्लांट का हमने क्या करा सेल निकाला सेल को आइसोलेट कर लिया इसका भी हमने सेल को आइसोलेट कर लिया उसके बाद दूसरे स्टेप में हमने इसका प्रोट सेल वॉल निकाल दी सेल वॉल निकाल दी सेल मेम्ब्रेन निकाल दी सिर्फ और सिर्फ प्रोटोप्लास्ट रखा सिर्फ और सिर्फ क्या रखा प्रोटोप्लास्ट रखा यहाँ पर भी क्या करा प्रोटोप्लास्ट रख लिया बस बाकी सारी चीज़ें निकाल दी प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करा दिया क्या करा दिया फ्यूजन करा दिया प्रोटोप्लास्ट का प्रोटोप्लास्ट का जब तुमने फ्यूजन कराया तो फ्यूज ऐसे आराम से नहीं होता फ्यूजन फ्यूजन के लिए तुम्हें कुछ चीजें यूज करनी पड़ती हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू विल यूज पैग अब ये पैग वो पैग नहीं है ठीक है ये फ्यूजन कराने वाला एजेंट है ओके okay. इसको क्या बोला जाता है पॉली एथिलीन पॉली एथिलीन ग्लाइकॉल ये क्या कराता है फ्यूजन कराता है फ्यूजन हो गया तो तुम्हारे पास जो बनेगा उसको हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड कौन से कलर से लिख दें चलो ग्रीन से लिखते हैं सोमैटिक हाइब्रिड अब हम इनको सोमैटिक हाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इसमें मैंने प्रोटोप्लास्ट यूज करा है मैंने यहाँ पे एग और स्पर्म का फ्यूजन नहीं करवाया है इसलिए हम इसको सोमैटिक हाइब्रिड बोलते हैं ठीक है चलो हो गया सोमैटिक हाइब्रिड बन गए अब ये इसका एग्जाम्पल क्या है तुमने पढ़ा होगा एग्जाम्पल क्या है पोमैटो है सक्सेसफुल नहीं था पोमैटो हमने किसको ऐड करके बनाया पोटैटो प्लस टमाटो। नॉट सक्सेसफुल नॉट सक्सेसफुल ठीक है हमने पता क्या सोचा था मैं बत, बत, बताती हूं तुम्हें हमने सोचा कि आलू तो नीचे रखते हैं रूट पे टमाटर ऊपर लगते हैं तो हम ऐसा करते हैं एक प्लांट बनाते हैं एक प्लांट बनाते हैं जिसमें नीचे लग जाएंगे आलू और ऊपर लग जाएंगे टमाटर ऐसा हुआ नहीं नहीं नई बात नहीं बन पाई ठीक है बात नहीं बन पाई ठीक है जी ओके हाँ सो ये है तुम्हारा स्मेटिक हाइब्रिडाइजेशन बताओ मुझे समझ में आया बोलो 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 दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर फटाफट से बताओ समझ में आया बोलिएगा जी बोलिएगा जी हाँ येस कमऑन क्लियर क्लियर एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर राइट एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर ठीक है ना कुछ क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन करोगे कुछ क्वेश्चन करोगे ठीक है हाँ जी क्रिस्टल क्लियर ओके देखो बच्चों अगर लगा ना तुम्हें कि शायद कहीं पे किसी स्टेप में या किसी टॉपिक में तुम्हें लगा कि मैम थोड़ी जल्दी चल रही थी इतना तुम्हें भी समझ में आता है दिस इज वन शॉट मैं तुम्हें यहाँ पे पूरा पाँच घंटे तो नहीं बिठा के रख सकती ओके okay? अब इसके बाद जाके एन पढ़ोगे और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो फिर से मेरा सेशन देखोगे उस टॉपिक से रिलेटेड बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा ज़रूरी नहीं है कि एक बार में समझ में आए तो ये लेकिन ही बैठना कि मैम ने करा दिया और मेरे को तो समझ में नहीं आया दोबारा देखो ना बार बार देखो उसी टॉपिक को बार बार देखो एन से पढ़ो फिर मेरा सेशन देखो एन से पढ़ो फिर मेरा सेशन देखो तो आपको आपको वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ठीक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा राइट जिसको अगर कोई ऐसी चीजें नहीं समझ में बार से फिर से जाके देखना है यहां ऐसा तो नहीं है कि मैं चली गई तो फिर दोबारा नहीं हुआ तुम रिपीट कर सकते हो बच्चों दिस इज द यू नो बेनिफिट ऑफ वॉचिंग ऑनलाइन सेशन ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में मैं आई टीचर चला गया अब तुम क्या करोगे कितनी अच्छी बात है कि ऑफलाइन से बहुत बेटर है तुम्हारा ऑनलाइन है ना यस yes. तो क्वेश्चंस करने हैं क्वेश्चंस कर ले थोड़े से सारांश बैच भी आ रहा है देखो मेरा सारांश बैच शुरू हो चुका है आ नहीं रहा है शुरू हो चुका है विच इज प्राइज एट वन नाइन 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 ना। आप कोड लगाएंगे गार्गी तो आपको ऑफ भी मिल जाएगा इस पर इस पर आपको ऑफ मिल जाएगा टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा और आपको मेरा गाइडेंस मेरा मेंटोरशिप मिल जाएगा आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्पीड पे अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी यू नो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमारे सेशंस देख सकते हो आपको हर सेशन का असाइनमेंट मिलेगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे और आपको नोट्स मिलेंगे ऑफ एवरी लेक्चर राइट ठीक है ना कुछ क्वेश्चंस कर ले चलो आ जाओ नहीं होंगे सोमा क्लोन फिनोटिपिकली सिमिलर नहीं होंगे सोमा क्लोन में वेरिएशन आ जाएगी सोमा क्लोनल वेरिएशन सुना है तुमने नाम क्लोनल वेरिएशन भी होती है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन आई एम सॉरी जो हमने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कराया ना ये बच्चे इनका थोड़ा बहुत <coughs> थोड़ा बहुत जेनेटिकली भी डिफरेंट होंगे और जेनेटिकली डिफरेंट होंगे तो फिनोटिपिकली भी डिफरेंट हो जाएंगे है ना ओके okay? चलो आ जाओ क्वेश्चन यह क्वेश्चन खुद कर लोगे ये 2022 का क्वेश्चन है ये 2022 का क्वेश्चन है ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन्स आर एंड हेल्थियर फैट्स इज दिस इज बेसिकली व्हाट दिस इज बायो फोर्टिफिकेशन देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था सीधा सीधा क्वेश्चन कई बच्चे पूछते हैं ना कई बच्चे पूछते हैं कि मैम ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्या नीट में आते हैं बिल्कुल आते हैं क्यों नहीं आते हैं हर तरह के आते हैं ठीक है ये नॉर्मल सेल से आइसोलेट करते हैं जम सेल से नहीं आइसोलेट करते हम नॉर्मल सेल सोमैटिक सेल से आइसोलेट कराए हैं हमने दिस इज नॉट इट इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर जम सेल्स वो जम सेल से करोगे फिर तो मतलब बात कुछ और ही बन जाएगी ना है ना तो जम सेल से नहीं होता ओके, okay. ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन एमओटी पूरा नहीं पढ़ना मुझे एमओईटी का कौन सा स्टेप नहीं है बताओ फर्टिलाइज एग्ज आर ट्रांसफर टू सरोगेट मदर एट एज टू थर्टी टू सेल स्टेज ये तो सही लग रहा है काउ इज एडमिनिस्टर्व हॉर्मोन एल एच नहीं होता एफ एस एच होता है एल एच नहीं होता एफ एस एच होता है तो ये हो गया तुम्हारा आंसर द करेक्ट आंसर इज बी नेक्स्ट देखो बाई विच मेथड वॉज अ ब्रैंड न्यू हिसार डेल ऑफ शीप फॉर्म्ड बाई यूजिंग बी का निरी यूज एंड मेरीनो रैम्स मेरीनो रैम्स दो हज़ार इक्कीस में इस चैप्टर से तीन तीन या चार क्वेश्चन आए थे ठीक है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई बताइए बोलो किससे करे थे हमने एग्जाम्पल तुम्हें लिखवाया था क्वेश्चन नंबर टू वॉट इज द आंसर क्रॉस ब्रीडिंग से हमने करा था क्योंकि दोनों अलग ब्रीड है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखो क्या है इन ब्रीडिंग हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेट इन अनडिजाइरेबल ये तो सही बात है इन ब्रीडिड इन ब्रीडिंग इंक्रीजिंग होमोसाइगोसिटी ये भी सही है इन ब्रीडिंग इज असेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन ये भी सही है इन ब्रीडिंग सेलेक्ट्स हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट रिड्यूस नहीं इन ब्रीडिंग से हम हार्मफुल नहीं सलेक्ट कर रहे हैं हम सेलेक्ट कर रहे हैं सुपीरियर हार्मफुल तो हम निकाल देते हैं उनको तो हम इंक्लूड ही नहीं करते अपने एक्सपेरिमेंट में निकाल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रेंडम है ये मैंने इसलिए चूज़ करा क्योंकि किस में आया था ठीक है 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था देखो जरा क्वेश्चन नाउ म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाय किससे इंड्यूस करेंगे हमने देखा था गामा रेज मैंने लिखवाया भी था तुम्हें सीधा सीधा क्वेश्चन ये देखो एक और क्वेश्चन 2021 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 27 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन इन क्रॉप्स इंप्रूव करना न्यूट्रिएंट्स को प्रोटीन कंटेंट को इंप्रूव करना डिजीज रेजिस्टेंट हम यहां नहीं बनाते हम सिर्फ न्यूट्रिशन पे फोकस करते हैं फोर्टिफिकेशन में डिजीज रेजिस्टेंट पे फोकस नहीं करते अगला क्वेश्चन देखो 2021 में एक और क्वेश्चन मतलब चार आ गए थे मतलब चार आ गए थे ठीक है तुम खुद ही देख रहे हो ओके okay, तो ऐसा मत सोचना कि भाई जी कोई बात नहीं इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा आ जाओ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है कहां हुआ था कहाँ हुआ था पोमैटो में हुआ था तो इसमें चला जाएगा ठीक है देन यू हैव प्लांट टिश्यू कल्चर में मैं टोटी तो, पोटेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है मेरी स्टेम कल्चर वायरस फ्री स्टेम प्लांट्स मुझे चाहिए माइक्रो प्रोपोगेशन आपका किस में आ गया सोमा क्लोज में आ गया तो अपना आंसर क्या आ जाएगा अपना आंसर विल बी वन इज टू तो सी है ना सी आ गया ओके okay, बच्चों कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने तुम्हें दो तीन साल के करवा दिए हैं uh, सारे क्वेश्चन तो नहीं करवा सकते ना एक सेशन में इसलिए एंड ऑल्सो संग्राम बैच तुम्हारा आ रहा है और ये ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए अगर तुम चाहते हो कि ऑफलाइन में जाके पढ़ना देन नए नए बैच लॉन्च हो रहे हैं बच्चों फोर नाइन नाइन में आपका फोर नाइन 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 में आपका बैच लॉन्च हो रहा है है ना और अलग अलग uh, जगह पे आपके ऑफलाइन सेंटर्स खुल चुके हैं ओके okay, तीन बजे देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है तीन बजे का सेशन मत मिस करना कल का थ्री पी एम बायोटेक ए एंड आर ठीक है एसर्सन एंड रीजन आपको जरूर करना है ठीक है जी ओके okay? और डू लेट मी नो कि आप को सेशन कैसा लगता है समझ में आया नहीं आया तो भी बता दो नहीं आया तो उस चीज़ को बार बार देखना एक बार में जरूरी नहीं है कि समझ में आ जाए सब लोगों का जो पेस है वो अलग होता है किसी को एक बार में आ जाता है किसी को नहीं आता तो बार बार देखना आपको समझ जरूर आ जाएगा यस ठीक है हाँ नॉर्मल बर्लॉक की स्टोरी चलो कल स्पेशल क्लास में बताऊँगी कल स्पेशल क्लास में बताऊँगी ओके okay? चला सो so, बायोटेक का आपका रहेगा सेशन और सेशन को लाइक कर देना एंड जरूर लिख के जाना हैश टैग नो मैटर वॉट क्योंकि बच्चे सक्सेस तो इसी से मिलने वाली है चाहे कुछ भी हो पहुंचना है ठीक है चलो बाय बाय टेक केयर एंड And...